और बहुत ही बारीक बातों को लेकर के हमारे ढेर सारे स्पीकर्स आए, प्रमुख रूप से अंजनी कुमार पुंडरीक जो पीएचडी में योगा है, योगा में पीएचडी किया हुआ है। आपका जो व्याख्यान था वो बड़ा बारीक था और योगा पर भिन्न विभिन्न पोस्चर्स को और उसकी बारीकियों के बारे में आपने बताया जो अत्यंत सराहनीय था। विशेष रूप से मैं खुद योगा प्रैक्टिस करता हूं और मैंने जब उनके लेक्चर को सुना तो मुझे काफी सुधार हुआ और बहुत सारी चीजों को मैं भी अडॉप्ट कर पाया, तो बड़ा ही सराहनीय उद्बोधन था। और आज पुनः अपने कुछ जो रह गए हैं पोस्चर्स और जो आसन्स उनके बारे में आप हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, समय आने पर हम लोग उनको आमंत्रित करेंगे। आज के हमारे जो दूसरे कल का जो व्याख्यान जो था दूसरा वाला, उसमें डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह जो साइकोलॉजी को योग से जोड़ने के लिए या योग को साइकोलॉजी से जोड़ करके उसकी बारीकियों को बताए कि कैसे योग और मनोविज्ञान दोनों आपस में मिलकर हमारे पॉजिटिविटी को, हमारे हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। आज का जो दूसरा लेक्चर होगा वह डॉक्टर गिरिजा शंकर शुक्ला जी का होगा, जो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस के डायरेक्टर UPRTOU में प्रयागराज में रह चुके हैं, जिनका बड़ा ही हेल्दी प्रोफाइल मुझे प्राप्त हुआ है। जो मेंबर हैं रहे हैं रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ UK के, MD होम्योपैथिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जिनकी क्वालिफिकेशन रही है, इन्होंने PhD पब्लिक हेल्थ इलाहाबाद से किया हुआ है। 26 वर्षों का अनुभव आपका रहा है प्रोफेशनल होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में और 16 वर्षों तक आपने इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को शिक्षा दी है, यह भी एक बेहतरीन अनुभव रहा है। और आप पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेस के हेड भी और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपकी टोटल 12 आर्टिकल्स पब्लिश हुई है, एक किताब भी जो मैंने देख रहा था, ये काफी उपयोगी किताब है, मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन थ्रू CBT, यह एक बेहतरीन प्रयास होगा और हम लोग चाहेंगे भी कि इस COVID-19 के दौर में आप डिप्रेशन पर भी फोकस करेंगे जब आप हमारे बीच उद्बोधन के लिए आएंगे। आपका जो उद्बोधन होगा वह मानवता के संरक्षण में योग की वर्तमान परिदृश्य में भूमिका एक विश्लेषण, इस विषय पर हमारे दूसरे स्पीकर्स का लेक्चर होगा। हमारे जो पहले स्पीकर हम जब बंद करेंगे उसके बाद जब आएंगे पहले स्पीकर ग्रुप में, वह कल वाले ही हमारे पुराने जो डॉक्टर अंजनी कुमार पुंडरीक जो PhD में योगा है, और बहुत ही बेहतरीन डिमॉन्स्ट्रेशन आपका रहा कल और उम्मीद है कि आज भी उन बारीकियों को हमसे शेयर करें। मैं अपने अतिथियों को बुलाऊं इसके पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जो विषय हम लोगों ने चुना है इस विषय पर थोड़ा चर्चा करूं। मैं भी इस विषय पर चर्चा करूं उसके पहले मैं अपने साथियों का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, डॉक्टर संतोष जी का जो टेक्निकली बड़ी साउंड है और इन्होंने भी प्रूव किया है कि कैसे बॉटनी डिपार्टमेंट प्रदेश में उस शिक्षा को बेहतर हेल्प प्रदान करता है। हमने जब से सेवा शुरू की है ये देखा है कि बॉटनी डिपार्टमेंट का हमारे विभाग के प्रगति में बड़ा सहयोग रहा, चाहे वो AK सक्सेना सर रहे हों, चाहे अश्विनी मिश्रा सर रहे हों, चाहे विंध्याचल भी अच्छा काम कर रहा है फरीदाबाद में, और ऐसे बहुत लंबी सीरीज है जिसमें बॉटनी डिपार्टमेंट के लोगों ने उस शिक्षा को बड़ा सहयोग किया है और वह काम संतोष जी बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। बहुत सारे आयोजन आपके सहयोग से हमारे महाविद्यालय में होता है। इसके अलावा जो हमारे टीम के ढेर सारे और सदस्य हैं, डॉक्टर जयदेव हैं और भी सारे लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इन सबका बहुत ही सहयोग और बड़ा ही बेहतरीन सामंजस्य के साथ आयोजन होते रहते हैं। और इन सबके बीच जो हमारा मार्गदर्शन, हमारे लीडर, हमारे प्रिंसिपल हैं, उनका सहयोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्राप्त होता रहता है। अगर इस तरह की आज़ादी और इस तरह का मार्गदर्शन और इस तरह की लीडरशिप हमें नहीं प्राप्त होती तो शायद हम इतने बेहतरीन ढंग से आयोजन नहीं कर पाते। तो मैं अपने आयोजकों को और अपने स्पीकर्स को अपना माइक दूं, उसके पहले थोड़ा सा मैं अपने विषय पर, जो विषय हम लोगों ने चुना है, थोड़ा सा इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमारा जो विषय है ई वर्कशॉप का वह योगा फॉर पॉजिटिव हेल्थ, यह जो विषय है वह तीन विशेष शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, योगा पॉजिटिव एंड हेल्थ, इन्हीं पर थोड़ा सा मैं बोलूंगा। योग,
योग के विषय में जब मैं विचार करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि योग, वैसे तो मैं योग का टीचर नहीं हूँ लेकिन योग का प्रेमी जरूर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो विचार हैं वह बहुत ढेर सारे अध्ययन से नहीं, कंप्रहेंशन से आते हैं। ज्ञान का प्रेमी हूँ, छोटे छोटे प्रयोग करता रहता हूँ और उन प्रयोगों के माध्यम से जो भी हासिल कर पाता हूँ आपके बीच शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि इस समाज में मनुष्य को चार कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला इंसान वह हो सकता है जो उस फूल के समान हो जो न तो कलरफुल है और न ही उसमें फ्रेग्रेंस है, अर्थात उसे कह सकते हैं वो ड्राई है। जो दूसरे कैटेगरी के इंसान को मैं रखता हूँ वह हो सकता है जो कलरफुल तो है लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं है उसमें। और जो तीसरे कैटेगरी का इंसान है उसमें फ्रेग्रेंस है लेकिन कलर नहीं है, वह कलरफुल नहीं है। और जो चौथा कैटेगरी का इंसान है वह हो सकता है जो कलरफुल भी है और फ्रेग्रेंस भी है। मुझे लगता है योग जो है इंसान को कलरफुल और फ्रेग्रेंस दोनों बनाता है, और वे लोग जिनमें जो जो कमियां रह गई हैं वह योग के माध्यम से उसे दूर कर सकते हैं, अर्थात योग हमारे अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों को मजबूत करता है, अंदर से हमें निर्मल बनाता है। क्योंकि संस्कृत में जो है, जो योग शब्द है वह संस्कृत के युज शब्द से बना हुआ है, युज का अर्थ होता है जोड़ना। तो सवाल उठता है क्या योग हमें जोड़ता है? नहीं जी, योग हमारे शरीर में जो जो ज्वाइंट्स जहां जहां जोड़ है उसमें मूवमेंट पैदा करने का काम करता है। जब उसे हम करते हैं तो उसमें मूवमेंट पैदा करते हैं, अर्थात उन ज्वाइंट्स में, ज्वाइंट्स को हम ग्रीसिंग कर देते हैं और हमें लाइफ और जीवन पर्यंत सहयोग करते हैं काम करने। महर्षि पतंजलि ने भी योग को डिफाइन किया है और उन्होंने कहा है कि योग चित्त वृत्ति है निरोधा, अर्थात योग से हम आप उस परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझ पाते हैं। तो योगस्थ होने के लिए थोड़ा सा हम लोग अभ्यास करेंगे। एक बार अपने आप को रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, एकाग्र करिए, मन को शांत करिए, दत्त चित्त हो जाइए, हमारे मन से अपने मन को जोड़ने की कोशिश करिए ताकि हमारा संवाद केवल शब्द का या भाषा का न रहे। संवाद के लिए हमारे यहाँ चार तरीके बताए गए हैं, वैखरी, मध्यमा, परा और पश्यन्ति। तो यदि आप एकाग्र होंगे तो परा और पश्यन्ति से भी संवाद हो जाता है, नहीं तो वैखरी और मध्यमा से तो हम संवाद कर ही सकते हैं। तो हम अपनी एकाग्रता को थोड़ा विकसित करेंगे और फिर संवाद के लिए प्रयत्नशील होंगे। सिर्फ एक बार ओंकार का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे। ओ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का लक्ष्य घोषित किया गया स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और यदि विकार उत्पन्न हो गए हो तो उनको दूर करना। योग जो है, महर्षि पतंजलि ने जब योग पर अपना भाष्य लिखा तो उन्होंने कहा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलि प्रातरोष्मि। अर्थात अपने चित्त के विकारों को दूर करने के लिए योग शास्त्र की रचना की, अपने वाणी के विकारों को दूर करने के लिए पाणिनि ने रूपी ग्रामर की रचना की, उन्होंने संस्कृत रूपी व्याकरण की रचना की, और अपने शरीर रूपी विकारों को दूर करने के लिए आयुर्वेद की रचना की। वर्तमान परिदृश्य हम जहां तक देख रहे हैं इसमें हमें तीनों स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें सबसे पहला कार्य जो है वह अपने चित्त के विकारों को दूर करना है। चित्त के विकारों को समझने के लिए सबसे पहले चित्त को समझना पड़ता है, फिर उसके अंदर के उत्पन्न होने वाले लहरों को समझना पड़ता है और फिर उसको नियंत्रित करना पड़ता है। कल हमने जो विषय वस्तु रखी थी उसमें हमने कहा था कि हम अपने मन के कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इन तीनों को समझ करके ही कोई भी कार्य को यथोचित ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। जो हमारे संस्कार होते हैं वह हमारे अचेतन मन में होते हैं, सचेतन मन हमारा केवल 7% है, अचेतन मन 93% है। हम 7% को ट्रेंड करने के लिए दुनिया के जितने भी एकेडमिक सिस्टम्स हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं, वो कार्य कर रहे होते हैं, परंतु अचेतन को परिष्कृत करने के लिए कोई भी संस्थान कार्य नहीं करता। उसका परिष्कार जो है वह योग के माध्यम से किया जाता है और उसको प्रशिक्षित किया जाता है।
तब हम देख पाते हैं कि संपूर्ण मनुष्य के अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं और उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो आज हम लोग योग के अभ्यास की भी थोड़ा शुरुआत करेंगे, क्योंकि योग में हमने पहले भी कहा है अभ्यास भी करना है और फिर उसका सुनना भी है। तो दोनों हाथों को फिर से ऐसे सीने के सामने फैला लीजिए, सांस लेते हुए पूरा कोहनियों को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। ये हमारे लंग्स को पूरी तरह से खोलने के लिए अभ्यास किया जाता है, और वर्तमान समय में जो COVID-19 बीमारी है वो सबसे पहले हमारे लंग्स के फंक्शंस को ही ब्रेक कर रही है। इस सिस्टम को हमको मजबूत रखना है। रिलैक्स हो जाएंगे, एक क्षण के लिए एकाग्र होंगे। जो आपने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न पर भी हम थोड़ा सा विषय लेते हैं। हित भूक ऋत भूक मित भूक, हमारे लिए जो अभ्यास होने चाहिए, जो भोजन होना चाहिए वह हित भूक होना चाहिए, यानी हमारे लिए कल्याणकारी होना चाहिए, हमें अप्रिशिएटिंग लेवल होना चाहिए। जो अभ्यास करें वो कभी भी कष्ट देने वाले अभ्यास नहीं होने चाहिए। हित भूक ऋत भूक, ऋतु के अनुकूल होना चाहिए। अभ्यास क्रम में जैसे गर्मी का मौसम है तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यदि ठंड का मौसम है तो भस्त्रिका और कपाल भांति का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए, रेशियो उसका बदल देना चाहिए, और यदि बरसात का मौसम है तो भी ड्राइनेस उत्पन्न करने वाले अभ्यास करने चाहिए अपने शरीर के अंदर, और अपने भोजन में भी रुक्ष पदार्थों के का समावेश करना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी कहा हम शरीर के अंदर चित्त भी है, हमारी वाणी भी है और हमारा शरीर भी है। तो हम आयुर्वेद का पोर्शन भी ले रहे हैं, योग का पोर्शन भी ले रहे हैं और पाणिनी ग्रामर का पोर्शन भी लेंगे अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट रखने के लिए। तो हम लोग जरा तीनों स्तर पर चीजों को समझेंगे तो एक कंप्लीट चीज आपके सामने पूरी होगी। तो हमने आयुर्वेद के हिसाब से उठाया ऋतुभुक होना चाहिए, यानी ऋतु के अनुकूल हमारा भोजन होना चाहिए। तो बरसात के मौसम में रुक्ष भोजन होना चाहिए, जैसे चना लैया हो गया आपके भोजन में शामिल रहना चाहिए, या अन्य पदार्थ ही ऐसे रहने चाहिए जो बहुत हैवी डाइजेस्टिव ना हो। अधिक तेल घी से बने हुए पदार्थ बरसात के मौसम में वर्जित किए गए हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। और योग के अभ्यास के संदर्भ में हमने पहले भी कहा है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, शरीर के अंदर ड्राइनेस उत्पन्न करने वाले उन अभ्यासों को करना चाहिए। तो हम थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इसमें पूरी डीप ब्रीदिंग लेनी होती है और डीप ब्रीदिंग छोड़नी भी होती है। एक मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से इसको कम कर देते हैं, अपने मन को एकाग्र करके रखते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए स्वाभाविक क्रम को एक थोड़ा सा सीखते हैं, क्योंकि कल हमने ये विषय वस्तु रख दी है तो आप आज इसको कंप्लीट करेंगे। जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस में ट्रांसफर हो रहा होता है, और जब हम जगते हैं तो क्या हो रहा होता है, अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस में आ रहा होता है। नेचुरल प्रक्रिया है ये। जब हमें किसी चीज को याद करना हो या अपने अंदर के संस्कार बदलने हो तो उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा हुआ, सोने से जस्ट पहले का समय और सुबह उठते ही। ये दो समय हमारे यहाँ शास्त्रोक्त ढंग से भी बहुत कीमती समय माने गए हैं, इसलिए सोने से जस्ट पहले। मैं विद्यार्थी के लिए जब एप्लीकेशन योग का सिखाता हूँ तो क्या कहता हूँ, जो आपको याद करना है वो सोने से पहले याद करिए, सो जाइए, सुबह उठिए फिर से एक बार याद करिए और उसको लिख लीजिए, तो ये कंप्लीट सर्किल पूरा हो जाता है। लेकिन जब मैं किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा होता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, अपने अचेतन को यदि परिष्कृत करना हो तो सोने से जस्ट पहले आप थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास करिए, सुबह उठिए फिर से एक बार प्राणायाम का अभ्यास करिए। तो आपके मन के जितने भी अवरोध हैं, जिसको पतंजलि कहते हैं राग द्वेष, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष रूप में दिखता है, जो सुख हमको मिले हुए हैं वो हमेशा मिलते रहने चाहिए, यह जो मन में भाव होता है वह राग है, और जो दुख मिला हुआ है वो न मिले ऐसा जो मन में भाव होता है उसको द्वेष कहते हैं। इन और अभिनिवेश, मृत्यु का भय, ऑब्वियसली विद्वान से लेकर गरीब तक सबके मन में होता है, इस अवरोध को दूर करने में आप बहुत आसानी से सक्षम हो जाएंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि मनुष्य की जो आउटपुट परफॉर्मेंस होती है, मैक्सिमाइजेशन होता है जब किसी व्यक्ति का, कि वह मैक्सिमम कार्य कैसे कर पाएगा, तो उसके जो अवरोध होते हैं वो यही होते हैं, इन्हीं की वजह से उनकी परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाती है। यदि आप योग के अभ्यास को शामिल करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये अवरोध धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो आज जो हमने सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या रखा,
सोने से जस्ट पहले का समय बहुत कीमती है, उसका हमको अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? अचेतन के परिष्कार के लिए। किसी व्यक्ति का निर्माण इतना आसान कार्य नहीं है। एक सामान्य चीज बनाना बहुत आसान होती है, मकान बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिख रहा होता है, लेकिन हमारे अचेतन मन में क्या भरा हुआ है हमको नहीं पता है। उसको बनाना, उसको निर्माण करना और वाकई एक मनुष्य को खड़ा करना बहुत कठिन पुरुषार्थ का कार्य होता है। इसको बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसके लिए एक वैज्ञानिक की तरह एकाग्रता होनी चाहिए और एक मजदूर की तरह परिश्रम होना चाहिए और एक भक्त हृदय की तरह उसके मन के भाव होने चाहिए, तब जाके किसी एक व्यक्ति को गढ़ा जा सकता है। और यदि एक व्यक्ति सही सही ढंग से गढ़ दिया गया तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि उसके संकल्प मात्र से सृष्टि के विनाश को बचाया जा सकता है। फिर से अपनी बात को हम रिपीट करते हैं, यदि एक व्यक्ति को भी गढ़ दिया गया तो उसके संकल्प मात्र में इतनी शक्ति होती है कि वह सृष्टि को विनाश से बचा सकता है। तो यह क्षमता हम लोग योग के माध्यम से अपने अंदर कल्टिवेट कर सकते हैं। जहां तक चल सके हैं वहां तक हम लोग आगे चलेंगे, फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस दो बिंदु को याद रखेंगे कि अचेतन के परिष्कार के लिए सोने से जस्ट पहले का समय और सुबह उठने के बाद का समय बहुत ही कीमती है और हम लोग इसका उपयोग करेंगे आज के बाद से ही। तो हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, क्योंकि यह अभ्यास जो है वो आपके नाड़ियों को शुद्धि करता रहेगा और योग हम जिस परिप्रेक्ष्य में चीजों को कह रहे हैं आप उसी परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझ पाएंगे। तो ठीक से रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, दूसरा हाथ प्रणव मुद्रा में रखिए, बाएं से सांस को लीजिए, फिर दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए, कंटिन्यू करिए। धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का यदि कोई प्रत्यक्ष स्वरूप है तो प्रणव है, ओंकार है। ऐसी भावना करते हुए एक बार ओंकार का उच्चारण हमारे साथ साथ करेंगे। पुनः हम लोग अपने आप को एकाग्र करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा यदि संभव हो तो सामने की तरफ फैला लेंगे, हाथों को कमर के बगल में रखेंगे। एक दो अभ्यास चुके हमने पहले भी कहा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पर है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में है। तो हमें शरीर के पोस्चर को हमेशा सही रखना पड़ता है। तो शरीर का पोस्चर सही रहेगा तो हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाते हैं। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे, थोड़ा सा दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में रखते हुए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, फिर दोनों पैरों को मिला करके भद्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर ऐसे मिले रहेंगे। भद्रासन का जो टफ पोजीशन होती है वो थोड़ी कठिन होती है, परंतु सीधा करके पहले ऐसे ही बैठने की कोशिश करेंगे। आज जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आसन तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, प्राणायाम देख करके सीख सकते हैं, कुछ लोगों से सीख सकते हैं, परंतु एक गुप्त बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो सामान्य लोग नहीं बताते हैं। तो थोड़ा सा उसके प्रति अवेयर हो जाइए कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जीवन में आप सीखने जा रहे हैं जो आपके जीवन भर आपका कार्य साथ देगी। यानी योग का अभ्यास यदि एक बार आपने सीख लिया और उसको सही ढंग से डायरेक्ट कर दिया तो वह जीवन भर आपका मदद करती रहेगी। दोनों हाथों को कमर पर रखिए, सामने आप चित्र देख पा रहे हैं, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, सांस लीजिए, फिर छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको थोड़ा सा अवेयर होके फील करिए कि जब आप सांस लिए तो यह आकार बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको थोड़ा सा अनुभव में रखेंगे। कागज पर बना भी सकते हैं इसको। फिर एक हाथ पेट पर रखिए, दूसरा हाथ पीठ पर रखिए, फिर से सांस लीजिए, छोड़िए, तीन बार, पुनः दोनों हाथों को सीने के पास रखिए, फिर से दो तीन बार डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए।
एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा हाथ पीठ के पीछे रखिए। फिर से तीन बार डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए। आपने जो भी अनुभव किया, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी शरीर स्पाइनल कार्ड यदि बीच का हिस्सा माना जाए तो लोटस लाइक मूवमेंट खुलनी चाहिए, जैसे पंखुड़ियां खुलती हैं ऐसे। एक तो हमारा लीनियर मूवमेंट है, आसन कर रहे हैं, दाएं बाएं जितने झुकने वाले अभ्यास हैं वो क्या है हमारे, लीनियर मूवमेंट है बॉडी के। परंतु हमारी बॉडी में एक ही मूवमेंट ऐसा है जो लोटस लाइक मूवमेंट उसको कहा जाता है, कमल की पंखुड़ियों की तरह से उसका मूवमेंट है। सांस लिए तो ये फूलना चाहिए, सांस लिए तो ये फूलना चाहिए। परंतु आप चेक करके देख चुके होंगे कि कुछ लोग सांस ले रहे हैं तो भी पेट पिचक ही रहा होता है, या एक साइड में फूल रहा है तो एक साइड में पिचक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो नेचुरल शरीर की कंडीशन है वो डिस्टर्ब है। इसमें हमें इसको फिर से नॉर्मलाइज करना है, एक एक करके जब हम सांस लें तो सारी पंखुड़ियां खुलनी चाहिए और जब सांस छोड़ें तो पिचकनी चाहिए। तो इसको लोटस लाइक मूवमेंट कहा जाता है। अब जब जो भी आसन करिए, जैसे ताड़ासन है, तिरेक ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, जितने भी तरह के अभ्यास हैं, चूंकि यहाँ हमारी मर्यादा सीमित है इसलिए हम सीमित अभ्यास आपको बता रहे हैं, परंतु जब कभी हम लोग ऐसा अवसर बना जिसमें हम फिजिकली इंटरेक्ट होंगे तो हम आपको अन्य आसन भी सिखाएंगे। परंतु उसमें यह मूवमेंट तो आप अपने आराम से चेक कर सकते हैं। और जो थोड़ा उम्र चाहे जो भी हो, इसमें उम्र लिमिट नहीं है, आप हर उम्र का आदमी इसको कर सकता है, वो 80 वर्ष का हो तब, 14 वर्ष का हो तब इसको कर सकता है। इसलिए हम वही अभ्यास सिखा रहे हैं जिससे किसी को कोई हार्म ना हो और किसी भी उम्र का आदमी इसको कर सके। इस चीज को हमने पहले ही बना रखा है, और यदि कोई स्पेशल कंडीशन होती है तो हमको स्पेशल ढंग से डील करते हैं, फिर अलग से ही डील करना पड़ता है। वहां पर एक व्यक्ति की उसकी प्रकृति, उसकी दिनचर्या और उसकी अन्य चीजों को देख करके ही योग सिखाया जाता है। ये संभव नहीं है कि मास में केवल इंटरेक्ट करके मास को सिखा दिया जाए, ऐसा हमारे यहाँ पहले भी परंपरा नहीं थी। इसमें प्रचार की दृष्टि से किया जा सकता है, परंतु योग को यदि प्रकाशित करना है, आपके अंदर से योग की शक्ति उद्भूत हो जाए, यह अभ्यास करना है तो व्यक्तिगत ही सिखाना पड़ता है। तो हम लोग इस अभ्यास को करेंगे, लोटस लाइक मूवमेंट को थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग एक बार प्रैक्टिस के रूप में कर सकें। दोनों हाथों को सिर के पीछे रख लीजिए, तीन चार बार डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। अब आप अपने लोटस लाइक मूवमेंट को चेक करते रहिए, फिर अपने राइट डायरेक्शन में हल्का सा मूव करेंगे। पुनः अपने लेफ्ट डायरेक्शन में भी हल्का सा मूव करेंगे। पुनः अपने पीछे की तरफ हल्का सा मूव करेंगे। और हल्का सा आगे की तरफ। रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा अपने बॉडी के स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट किया हमने, और विथ ब्रीदिंग किया। तो आप उसको चेक करना है कि कमल की पंखुड़ियां मूव कर रही कि नहीं, जहां नहीं मूव कर रही थी उसको मूवमेंट में ले आना है, फंक्शन में ले आना है। उसके लिए हम सारे आसन करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसको स्टार्ट करने के लिए आसन करते हैं, किसी को दिखाने के लिए या किसी को बहुत प्रभावित करने के लिए हम आसन का अभ्यास नहीं करते हैं। तो हमारा उद्देश्य ही बदल जाता है फिर तो। योग का जो मूल उद्देश्य है चित्त के विकारों को दूर करना, वही छूट जाता है। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि योग का अभ्यास करते समय अपने चित्त के विकारों को हम दूर करने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करते रहना है। तो ये मॉनिटरिंग लाइन होगी हमारी। यदि उसके अभ्यास करने से आपके चित्त के विकार दूर हो रहे हैं तो आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, और यदि उसके अभ्यास करने से आपके अंदर और दिखावे की वृत्ति और ज्यादा संग्रह की वृत्ति बढ़ रही है तो आप योग नहीं, योग का अभ्यास नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है परंतु योग का अभ्यास नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे, दोनों पैरों को मोड़ करके सिटिंग पोस्चर के जो आसन हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के उपरांत भी किया जा सकता है, और इसका अभ्यास करने से शरीर में वज्रा नाड़ी सक्रिय हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर नस तो हम लोग समझते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, नाड़ियां होती हैं जिसमें प्राण का सर्कुलेशन होता है। हमारे अंदर पांच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। शरीर के इन पांचों क्षेत्रों का परिचालन करना, चेतनात्मक शक्ति जो सभी का नियंत्रण करती है, संचालन करती है, उसको कहते हैं प्राण। आप वही मान के चलिए
इन पांचों प्राणों को कैसे डेवलप किया जाए। गीता क्या कहती है, प्राण और अपान का यज्ञ सबसे सर्वोत्तम यज्ञ है। तो प्राण का क्षेत्र कहाँ है, हृदय क्षेत्र है, और अपान का क्षेत्र कहाँ है, नाभि से नीचे पूरे पैर तक का क्षेत्र है। हमारे अंदर जितने भी राग नामक वृत्तियां होती हैं और द्वेष नामक वृत्तियां होती हैं, वो इन्हीं दो क्षेत्रों में होती हैं। परंतु शुरू में ही यदि आप इसको करने लगेंगे तो परेशानी हो जाती है। इसलिए योग क्या कहता है, पहले अपने अंदर के राग को और अपने द्वेष को थोड़ा सा अभ्यास करके, थोड़ा जीवन के अनुभवों से कम कर लीजिए, एंड देन योग का अभ्यास करिए, तो आप तुरंत योग के रिजल्ट पा पाएंगे। तो हम लोग एक अभ्यास और करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, बाएं से सांस को खींचिए, पुनः रोकिए, फिर दाएं से छोड़िए, फिर बाहर रोकिए, फिर दाएं से खींचिए, पुनः रोकिए, फिर बाएं से छोड़िए, फिर बाहर रोकिए, फिर बाएं से खींचिए, पुनः रोकिए, फिर दाएं से छोड़िए, फिर बाहर रोकिए, फिर दाएं से खींचिए, पुनः रोकिए, फिर बाएं से छोड़िए। धीरे से हाथों को नीचे ले आइए, पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास से बना करके रखेंगे। पुनः हम लोग एक बार ओंकार का उच्चारण साथ साथ करेंगे। पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास बना करके रखेंगे। हम लोग आराम से अपनी जगह बैठ जाएंगे। ये वज्रासन 2 से 3 मिनट तक हम लोगों ने इसका अभ्यास किया। 3 मिनट से कम कोई भी आसन नहीं होना चाहिए, भले ही कम आसन करें परंतु सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। तो हम लोग अपने विषय वस्तु पर फिर से वापस आते हैं। हमने देखा योग के अभ्यास कैसे किए जाने चाहिए, समय है, और कैसे उनको हम लोग सही ढंग से एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो तीसरा अभ्यास हम आपको बताने जा रहे हैं आज का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भ्रामरी प्राणायाम। अपने मस्तिष्क क्षेत्र में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक गलत विचार हमारे बॉडी मन में सक्रिय होता है और पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल देता है। सुई की नोक के बराबर छोटा सा हार्मोन होता है, वो सर्कुलेट होता है। आप जैसे कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति आपके सामने आता है, पूरे बॉडी की केमिस्ट्री आपकी बदल जाती है। कोई अप्रिय व्यक्ति सामने आ जाता है जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो भी पूरे बॉडी की केमिस्ट्री आपकी बदल जाती है। परंतु योग कहता है कि नहीं, हमें प्रिय और अप्रिय दोनों से ऊपर उठना है, प्रिय और अप्रिय दोनों से ऊपर उठना है, तब आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगी। नहीं तो आप या तो प्रिय में उलझ जाएंगे या अप्रिय में उलझ जाएंगे। इसी को गीता क्या कहती है, या तो आप सोने के जंजीर में बांध दिए जाएंगे या लोहे के जंजीर में बांध दिए जाएंगे। बंधन तो वह है ही, तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। जिस कार्य के लिए धरती पर आपका जन्म हुआ है, वह कार्य अपने आप में क्या हो जाएगा, कम परफॉर्म हो पाएगा। तो यदि मनुष्य जीवन का मैक्सिमाइजेशन करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो आप देख पाएंगे कि उसके लिए आपको योग के अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। इसके लिए गीता ने पहले लक्ष्य का निर्धारण करना सिखाया। यदि किसी क्षेत्र में कार्य करना है तो उसका लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। तो योग का लक्ष्य क्या है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवा आत्मनातुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वह योग का लक्ष्य होता है। कुछ लोग स्थिति प्रज्ञ होते हैं, स्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। समाज में प्रैक्टिकल लोग वही होते हैं, स्थिति के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं। कुछ लोग स्थिर प्रज्ञ होते हैं, उन्होंने अपने जीवन के एक मानदंड बनाए होते हैं, उस मानदंड के हिसाब से उचित और अनुचित जो भी वो मानदंड बनाए हैं उसके हिसाब से वो सोचते हैं और उसी हिसाब से कार्य करते हैं। विरले लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं, जिनकी प्रज्ञा भगवत चेतना में स्थित हो जाती है, ऐसे लोग विरले होते हैं। ऐसे ही लोगों को योगी कहा गया है। जिनकी प्रज्ञा यानी बुद्धि जो है वह भगवत चेतना में स्थित होती है,
और फिर वह कार्य करती है। तो कैसे कार्य करती है, अर्जुन पूछता है, वह सामान्य आदमी हम कैसे पहचानेंगे कि यह आदमी स्थित प्रज्ञ है कि नहीं है, इस आदमी का व्यवहार कैसा होगा। तो उन्होंने क्या कहा, दुखे सु उद्विग्न मना सुखे सु विगत स्पृह राग द्वेष भय क्रोध स्थित धीर मनोरुच्यते। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होगा वह दुख में उद्विग्न नहीं होगा और सुख में बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होगा, दुख में उद्विग्न नहीं होगा, सुख में आसक्त नहीं होगा, राग और द्वेष से परे होगा और दृढ़ क्षेत्र में कार्य अपना करता रहेगा, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कार्य करता रहेगा। यह योगस्थ व्यक्ति का लक्षण है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। अपने इस चेतना को विकसित करने के लिए हम लोग योग के सारे अभ्यास कर रहे हैं, तो उस चेतना को विकसित करने के लिए प्रैक्टिकली हमको क्या करना है, तो हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास से हम अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। याद रखिए, यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सके तो फिर हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेते हैं, और यदि हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर ले गए फिर अपने कर्मों को नियंत्रित कर लेते हैं, और यदि अपने कर्मों को नियंत्रित कर ले गए तो अपने भाग्य का भी नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, और योग सबसे पहले वही सिखाता है। कोई भी घटना आपके सामने आए तो तुरंत मत रिएक्ट करिए, थोड़ा समय अपने आप को दीजिए। वह थोड़ा समय यदि आपको मिल गया, एक सेकंड भी मिल गया, तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं, आपके कार्य बदल जाते हैं, आपकी परिस्थिति बदल जाती है। वह एक सेकंड प्राप्त करने के लिए हम लोग ये सारे अभ्यास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का, कानों को बंद कर लीजिए, भौरे के समान गुंजन करेंगे 5 श्वास तक। फिर से आंखों को नीचे ले आएंगे। योग के अभ्यास हम लोगों ने जो किए हैं वो अपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया है, ताकि हम मनुष्य जीवन में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, मैक्सिमम कार्य कर पाए। हम लोगों ने थोड़ा अभ्यास किया, थोड़ा विषय वस्तु को समझा, और जो सर का प्रश्न था उसको हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। और खासतौर से जो आज की विषय वस्तु हमने ये रखी थी कि कैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को यूज में ले आते हैं, उसके लिए हमने क्या अपने लिंक दिया था कि सोने से जस्ट पहले का समय बहुत कीमती समय है। हम लोग उस समय नॉर्मली कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जा रहे होते हैं और सुबह उठते ही अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रहे होते हैं। तो यदि अपना परिष्कार करना है तो वहीं प्रयत्न करना है, और यदि वाकई किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो देखिए कि सोने से जस्ट पहले वह क्या कार्य कर रहा है, वह उसकी पर्सनैलिटी का मूल द्योतक होता है। तो आप सुबह उठने समय क्या कर रहा है वह भी उसकी पर्सनालिटी का मूल द्योतक होता है। तो साइकोलॉजी में जितने तरह की पर्सनालिटी बनी है वो तो मान लेते हैं कि जो पर्सनालिटी बन गई, ए टाइप हो गई, बी टाइप हो गई, सी टाइप हो गई, वो बन गई। परंतु योग कहता है कि ये जान लेना कौन सी बड़ी बात है, इसको बदल देना बड़ी बात है। वो बदल देने की सामर्थ्य जो है वह योग के अंतर्गत होती है। साइकोलॉजी के चाहे जितने भी कार्य हुए हैं, फ्रायड ने जितने भी काम किए हैं, युंग ने जितने भी कार्य किए हैं, या अन्य साइकोलॉजिस्ट ने भी जितने कार्य किए हैं, उनमें एक कमी हमेशा है कि वह जान तो लेते हैं परंतु उस तक को बदलने की क्षमता वो केवल काउंसलिंग को मानते हैं, वह पर्याप्त नहीं है। उसके लिए और भी विकल्प होने चाहिए। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, योग को शामिल कर सकते हैं, उसमें आयुर्वेद को शामिल कर सकते हैं, उसमें ज्योतिष को भी शामिल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे व्यक्तित्व को ठीक कर सकते हैं और मनुष्यता को सुखी कर सकते हैं। यह कार्य है। तो इसमें योग की भूमिका बड़ी लिंकिंग होती है, वह लिंक करता है चीजों को और अपने आप में आपके लिए एक राजमार्ग प्रदान कर देता है। तो हम लोग अभ्यासक्रम को आज की विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में यही रखा। और दूसरा, यदि उम्र अलग अलग है तो अचेतन परिष्कार के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यदि बच्चे के अंदर हमें अचेतन को परिष्कृत करना है तो कोई योग्य व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से भी उसको बदलाव ला सकता है। यदि कोई 14-15 साल का व्यक्ति है तो उसकी अपनी सामर्थ्य डेवलप होने लगती है, उसके मन का उपयोग उसके मन के लिए करना पड़ता है। जैसे लेजर बीम से ऑपरेशन करते हैं, वैसे ही मन के एक हिस्से को शक्तिशाली बनाना पड़ता है और उसी के माध्यम से उसके मन के जितने भी अचेतन के जो कार्य होते हैं
उसको कट ऑफ करना पड़ता है और उसको सही दिशा देनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति उससे भी बड़ा हो जाता है तो परिष्कार की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। यानी अचेतन को परिष्कृत करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय 5 साल से पहले है। 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे के अंदर अचेतन में बहुत सारे परिष्कार किए जा सकते हैं और उसके बाद 14 वर्ष तक कुछ न कुछ परिष्कार मेहनत करके किया जा सकता है। उसके बाद उसकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स बन जाते हैं। फिर भी यदि गुरु कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तो उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। बदलाव संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है मनुष्य के लिए, परंतु यदि कम प्रयत्न में उसके अंदर बदलाव लाना हो तो पहले ही लाना पड़ता है। इसलिए हमारे संस्कार पद्धति में देखिए जितने संस्कार हैं वो पूर्व की उम्र में ज्यादा है, उसके बाद कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अचेतन को परिष्कृत करने के लिए योग का उपयोग कर सकते हैं। इसमें यदि आप बड़े हो गए हैं, मेच्योर्ड हो गए हैं, तो योग निद्रा भी एक विकल्प है। योग निद्रा के माध्यम से भी हम अचेतन मन में परिष्कार कर सकते हैं, परंतु योग निद्रा कराने वाला व्यक्ति बहुत सामर्थ्यवान होना चाहिए। ये बहुत मायने रखने वाली बात है कि कोई भी बोल देगा तो बात नहीं बनती है। बोलने के पहले उसके अंदर उसकी सामर्थ्य अर्जित करनी पड़ती है, देन वो करेगा तो उसके अंदर बदलाव हो सकते हैं। तो हम लोगों ने आज का जो विषय वस्तु रखी, स्थित प्रज्ञ का लक्ष्य का वर्णन किया, योग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किस तरह का व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं और वह कितना कार्य कर सकता है। यदि ऐसा एक व्यक्ति भी बड़े पदों पर पहुंच जाए तो वह राष्ट्र का, समाज का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का कितना बड़ा हित कर सकता है, इसका अंदाजा आपको हो सकता है। और कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में इसको जी करके दिखाया था। वह राजा हो सकते थे परंतु उन्होंने कभी राजा नहीं हुए। अपने आप को उनसे दूर रखते हुए भी पूरे भारतवर्ष का उन्होंने क्या किया था, नियंत्रण किया था, और जो अयोग्य व्यक्ति थे उनको हटा करके योग्य व्यक्ति को राजा बनाया था, धर्म की स्थापना की थी। एक व्यक्ति का वह पुरुषार्थ था उतना बड़ा। तो वैसे ही योग की शक्ति से यदि एक व्यक्ति भी संपन्न हो जाता है तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो सबसे बड़ी पूंजी होता है। राष्ट्र के सबसे बड़ी पूंजी क्या है, यहाँ के मनुष्य। उसके बाद उस कार्य को पूरा करने के लिए अन्य स्वर्ण की आवश्यकता है, उद्योग की आवश्यकता है, अन्य चीजों की आवश्यकता है, परंतु सबसे बड़ी पूंजी मनुष्य होता है और उसमें योग जो है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम मिलजुल करके प्रयत्न करेंगे और इस क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। अभी अभ्यास की यहाँ सीमा मर्यादा है, जगह की भी, परिस्थिति की भी, इंटरेक्शन की भी। तो हमने उस सीमित मर्यादा में आपकी सेवा करने की कोशिश की है। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को सेवक बना के ही भेजा है। जब भी भेजा जन सेवक के, उन्होंने कहा लोक सेवक बन के जाना बेटा, हमारे यहाँ से गुरु बन के मत जाना, हमारे यहाँ से लोक सेवक बन के जाना। हम लोग उसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं और अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर योग के संदर्भ में हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। हमारा यहाँ संस्थान भी है, श्री राम योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, त्रिवेणीपुरम में ही है, झूंसी में है। ये निरंतर इस कार्य में लगा हुआ है कि कैसे यज्ञ के माध्यम से आज की COVID-19 बीमारियों को रोका जा सकता है। योग और यज्ञ, चूंकि यज्ञ की प्रक्रिया प्राण और अपान की भी है, परंतु वर्तमान समय में वातावरण में यदि वायरस फैला हुआ है तो उसके लिए यज्ञ की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने में यह संस्थान लगा हुआ है। आप सभी मित्रों का सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। खास तौर से हमने पहले ही कह दिया था कि कम्युनिकेशन केवल वैखरी और मध्यमा से ही नहीं होता है, परा और पश्यन्ति से भी होता है। तो हम लोग कम्युनिकेशन के रूप में, जरूरी नहीं है जब आप योगस्थ होंगे, एकाग्र होंगे और सूर्योदय का समय होगा तो हम सब लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। सूर्योदय के समय सभी लोग 5 मिनट भी बैठ जाएं तो एक मानसिक पुरुषार्थ हम लोग कर सकते हैं। इस COVID-19 बीमारी को दूर करने के लिए, युद्ध के वातावरण को दूर करने के लिए हम लोग मिलजुल करके इस कार्य को पूरा करेंगे। आज का विषय इतना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय को और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की। अब हम इस कार्य का औपचारिक समापन अपनी तरफ से करते हैं, अपने कार्यक्रम का। ओम शांति, समाप्ति। शांति। हेलो संजय सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी, ठीक ठीक है। हाँ जी, आज के इस ई वर्कशॉप के हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर गिरिजा शंकर शुक्ला, डायरेक्टर स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज UPRTOU, पहले रह चुके हैं और ढेर सारी उपलब्धियां आपने अपने लाइफ में हासिल की है, मैंने पूर्व में अपने स्पीच में बता चुका हूं। तो मैं डॉक्टर गिरिजा शंकर शुक्ला जी को सीधे आमंत्रित करता हूँ बिना किसी औपचारिकता के, कि आप आए और आपके विचारों से हम लोग अवगत हों। और उम्मीद है कि आपका जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस
योगा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको मानवता के संरक्षण में योग की वर्तमान परिदृश्य में भूमिका एक विश्लेषण विषय पर व्याख्यान के लिए। आदरणीय शुक्ला जी। जी सर, आवाज पहुंची थी। धीरे सर। हेलो धीरे सर। हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है सर, कुछ बाद में लेते हैं। हमारे बीच में एक बहुत युवा प्रतिभागी और युवा ट्रेनर है, योग के भी उपस्थित है, उससे कुछ योग क्रियाएं सीखते हैं सर। आप लाइन पे हैं, शुरू करें। हाँ जय देव सर। हेलो। हाँ सर नमस्कार सर, आप आ गए सर। ओके सर। हेलो। हाँ सर आप शुरू करें सर, आप आ रहे हैं। जी सर। आने की बात नहीं, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही। शुक्ला सर आवाज जा रही है सर, आप बोलें सर प्लीज। हेलो जयदेव सर। हेलो। हाँ जयदेव सर, सर बोलें सर, आवाज जा तो रही है सर, दिख रहे हैं। हेलो नहीं जा रही सर की आवाज, आप सर को ही बोले सर। हेलो हाँ खत्म हो गया सर का। ऐसा सर ना, अनिल को मैं ले लेता हूँ लाइव पे 10 मिनट में, फिर सर को जोड़ता हूँ। अनिल लाइव है, मैं जोड़ता हूँ सर तब। हाँ ठीक है ओके। अनिल 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 आपका वीडियो ऑफ हो गया है। अनिल अनिल हाँ अनिल आप शुरू करें, आप शुरू करें। ओके गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेंट इन इवेंट ऑफ राजकीय महाविद्यालय। तो आज का टॉपिक मेरा है इंटरनेशनल योगा प्रोटोकॉल के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, कोई भी काम करने शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले प्रार्थना का अभ्यास करते हैं। तो प्रार्थना का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम फिर अभ्यास पे जाएंगे। तो सभी लोग किसी भी कंफर्टेबल आसन, पद्मासन, सुखासन या जो भी आपको कंफर्टेबल, जिसमें आपको समय तक आसानी से बैठ सकते हैं, उस आसन को ग्रहण करें। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में ज्वाइन करें, कोमलता से आंखों को बंद करें और सभी लोग एक साथ हमारे साथ मंत्र का उच्चारण करिए। ओम संवदध्वं संगदध्वं संवो मनास्नि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी लोग हाथों को हथेलियों को आपस में रगड़े, धीमे से आपको के लगाएं। फेस का मसाज करें, हाथों को नीचे लाएं और निगाहों को नीचे करते हुए धीमे से आंखों को खोल दें। उसके बाद हम लोग करेंगे सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। तो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम आसन को करने से पहले जो वात होता है वो शरीर में इकट्ठा रहता है, कहीं एक जगह पे रुका रहता है, उसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन भी रुका रहता है।
ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं बच, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को सही तरीके से लाने के लिए हम लोग सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज होती है, पर्टिकुलर पार्ट की तरफ फोकस करके हम ब्लड सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम नेक की एक्सरसाइज करेंगे। नेक की एक्सरसाइज करने के लिए पहले हम अप एंड डाउन करेंगे। अप करते समय क्या है, कोई भी आसन करते समय या कोई भी अभ्यास करते समय हम जब पीछे झुकते हैं तो श्वास को लेना होता है, और जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो श्वास को छोड़ना होता है, ऐसा योग का सिद्धांत है। तो हम लोग सबसे पहले पीछे झुकाएंगे और श्वास को अंदर लेंगे, इस प्रकार से अभ्यास को 5 बार दोहराएंगे। ओके, अब इसके बाद करेंगे साइडवाइड बेंडिंग, मतलब एक साइड में झुकाना। तो पहले हम दाईं तरफ झुकाएंगे, उसके बाद फिर सेंटर में लाएंगे, फिर बाईं तरफ झुकाएंगे। ओके, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ओके। नेक्स्ट इसका है रोटेशन। रोटेशन में हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब जो उसको पकड़ के हम घुमाते हैं। तो लॉन्ग बोन अपनी स्पाइन है, तो स्पाइन मूवमेंट करेंगे। एक चीज को ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि योग में इंजरी नहीं होती, योग में भी इंजरी होती है। अगर हम क्वांटियोलॉजिकल सिद्धांत के अनुसार अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते हैं, तो जो हमारे शरीर के लिगामेंट्स होते हैं, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ के रखते हैं, उसमें डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें जो भी एक्सरसाइज करनी है उसको ध्यान देना है कि क्वांटियोलॉजिकल सिद्धांत के अनुसार है या नहीं, नहीं तो हम कहीं रोक करने के समय जैसा बोला जाता है ना, देखी देखा कीजिए रोग, बाढ़े छीने काया बाढ़े रोग। तो हमें क्या करना है, कोई भी प्रैक्टिस भी करना है तो उसको भी ध्यान देके करना है, नहीं तो हमें इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। उस इंजरी को दूर करने के लिए हम लोग सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करते हैं। इसके बाद हम करेंगे स्कंद की एक्सरसाइज, स्कंद और शोल्डर की। शोल्डर का एक्सरसाइज करने के लिए हम दोनों हाथों को खोल लेंगे, उसके बाद अपने एल्बो से फोल्ड करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर पे रखेंगे, उसके बाद क्लॉक वाइज एक्सरसाइज करेंगे। आगे से लाते हुए दाहिने हाथ से जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस प्रकार से हम घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे कट की, कट चालन, कट संचालक व्यायाम। तो कट संचालक व्यायाम के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, हमें पैरों को समानांतर रखना है, जो शोल्डर जो हिप है उसके समानांतर रखना है, उतना गैपिंग करके में रखना है। उसके बाद दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाना है, अंगुलियों से अंगुलियों को भी समानांतर रखना है, फिर उसके बाद दाहिनी तरफ घूमना है, अंगुलियां आगे पीछे ना होने पाए, समानांतर रखना है। जब आपको घूमना है दाहिनी तरफ तो ये ध्यान देना है कि दाहिनी तरफ हिप के ऊपर के पोर्शन को जितना आप रोटेट कर सकते हैं रोटेट करें।
करेगा है। इसके बाद हम लोग करेंगे नी ज्वाइंट की। नी ज्वाइंट के लिए हम जो करते हैं वो होता है कुकुट आसन में, तो इसको हम करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, देखना है किस प्रकार से करना है। चेयर पोज बोलते हैं इसको, तो चेयर पोज में जाना है, उसके बाद फिर वापस आना, फिर से हाथों को आगे करना है, चेयर पोज में जाना है, वापस आना है, फिर से चेयर पोज में जाना है, वापस आना है। इस प्रकार से ये सूक्ष्म व्यायाम हुए। इसके बाद हम लोग करेंगे आसनों का अभ्यास। तो आसनों का अभ्यास सबसे पहले हम जो खड़े होकर करने वाले आसन होते हैं, खड़े होकर करने वाले आसन ज्यादातर बैलेंसिंग आसन होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो उसका हमारा हाइपोथैलेमस पे प्रभाव जाता है, जो हमारे ब्रेन का रिले सेंटर होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे परिवेश से हमारे अंदर गुजरता है तो वो हाइपोथैलेमस से होकर गुजरता है। तो हाइपोथैलेमस को बैलेंस करने के लिए हम जो भी बैलेंसिंग आसन होते हैं उनका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन का। तो ताड़ासन को करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, हाथों को रोटेट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ग्रिप करेंगे, ग्रिप करने के बाद हाथों को इस प्रकार से खींच के ऊपर उठाना है, श्वास को भरना है, पंजे पे खड़े होना है, पंजों को खींच के रखना है, इस प्रकार से बैलेंस बनाने के बाद धीमे धीमे वापस आना है, उसके बाद फिर हाथों को ग्रिप को छोड़ना है, फिर आके समस्थिति में खड़े हो जाना है। इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। तो वृक्षासन भी एक बैलेंसिंग आसन है, जो जिससे हमारी स्मृति का विकास होता है, हमारी ध्यानात्मक शक्ति का विकास होता है। इसके लिए हम सबसे पहले राइट लेग से करेंगे। तो राइट लेग से करने के लिए हम लोग पैर को उठाएंगे और उसके फीट को लेफ्ट लेग के इनर थाई पे रखेंगे, उसके बाद दोनों हाथों को साइड में खोलते हुए ऊपर ले जाके जोड़ना है, सामने किसी एक बिंदु पे ध्यान लगाए रखना है जो स्थिर बिंदु हो। अगर आप मूवमेंट वाले बिंदु पे ध्यान लगाएंगे तो आपका मूवमेंट होगा और बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट लेग आपको इनर थाई पे रखना है, इसको खोलना है, खोलने के तो समय कॉन्सेंट्रेशन बताना है। जैसा की जो पार्ट लेफ्ट होता है और राइट पार्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर से कौन होता है, तो एक पार्ट बैलेंस करने के खाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। क्योंकि जब हम राइट लेग को उठा करते हैं तो उसमें ज्यादा प्रेशर लेके पड़ता है, और जब लेफ्ट लेग तो उसका प्रभाव लेफ्ट हेमिस्फीयर पे पड़ता है, उसकी शक्ति का विकास होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे पाद हस्तासन। जैसा कि पाद हस्तासन से सुना, पाद का मतलब होता है पाव, हस्त का मतलब है हाथ, तो हाथ और पाव दोनों जब मिलते हैं जो आसन मतलब होती है पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन में क्या होता है कि जो हमारा बैक का पोर्शन है, जो हमारा इरेक्टर स्पाइन है उससे खिंचाव होता है, तो इरेक्टर स्पाइन या बैक में कोई प्रॉब्लम है उससे वो मिलने की ओर होती है। तो हम लोग करेंगे इसके बाद पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन में ध्यान देना कहाँ कहाँ पे प्रभाव पड़ता है, आपके हैमस्ट्रिंग मसल पे पड़ता है और इरेक्टर स्पाइन जो आपकी स्पाइन के साइड में रहता है, दोनों तरफ की मसल पे पड़ता है। तो हम लोग पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, उठाने के बाद जितना खींच सकते हैं आगे की ओर खींचते हुए ले जाना है, और दोनों हाथों को पैरों के साइड में रख देना है, इस प्रकार से पैरों के साइड में रखने के बाद अपने हेड को अपने लेग से टच करना, जिस प्रकार गए थे कुछ समय रुकने के बाद वापस आना है, जैसे गए थे उसी प्रकार से आपको वापस आना है। इसके बाद का जो अभ्यास है अर्धचक्रासन है। अर्धचक्रासन करते समय ध्यान देना है कि आपको अपने हाथों को अपने कमर पे रखना है, और जब हम पीछे झुकने वाले कोई भी आसन करते हैं तो श्वास को अंदर लेके करते हैं, तो इसमें हमें श्वास को लेना है,
श्वास को भरने के बाद हमें पीछे धीरे धीरे झुकना है अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप झुक सकते हैं। अगर आपको चक्कर की समस्या है, ऐसा कोई समस्या है, तो आपको हार्ट की समस्या का अभ्यास नहीं करना है। इसके बाद आपको करना है त्रिकोण आसन। त्रिकोण में जैसा कि आपको शब्द सुना त्रिकोण, ये ऐसा शेप बनेगा इस आसन से जिससे शरीर का जो शेप होता है तीन कोण वाला हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पैरों के बीच 1 से 1.5 मीटर का फासला बना लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे और अब राइट हैंड को लेफ्ट राइट लेग से क्रॉस करते हुए उसके आउटर साइड में रखेंगे। के बाद अपने निगाहों को जो लेफ्ट हैंड है उसके थंब के ऊपर लगाना है। वापस आना है, दूसरी तरफ से करना है। इसके बाद बैठ के करने वाले आसन। तो बैठ के करने वाले आसनों में है सबसे पहले भद्रासन। तो हमें इसमें आसन में बैठना है। आसनों का सबसे आसन और योगी का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कोई भी चलो अवेयरनेस के साथ कि बॉडी के साथ में होना चाहिए। तो भद्रासन करते समय हम दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे, तो इसके बाद बाएं को फोल्ड करेंगे दोनों की, उसको अपने फिर एड़ियों को अपनी पेरिनियम से सटा के रखेंगे। उसके बाद फिर दोनों पैरों के शरीर को स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने नी को फर्श से टच करने की कोशिश करें। दोनों पैरों को खोल देना है बारी बारी से। अब इसके बाद करेंगे हम लोग वज्रासन का अभ्यास। तो वज्रासन का अभ्यास कैसे करेंगे, ध्यान देना उसको। पहले राइट लेग को फोल्ड करना है, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। जो आपकी एड़िया है वो दोनों खुली रहेंगी, एड़िया खोल करके आपको पैरों के ऊपर बैठना है। हाथों को थाई के ऊपर लगाना है, शरीर को सीधा रखना है, सजगता पूर्वक कुछ समय के लिए शांत पूर्वक बैठने की, क्योंकि यह ध्यानात्मक आसन है। धीमे से पुनः पैर खोलते हुए आसन को छोड़ें। वज्रासन इसका जो प्रभाव पड़ता है वो अपनी वज्र नाड़ी जो कि बॉडी के सबसे निचले भाग पे होती है। अनिल जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी जी सर, आ रही है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, सर को लेते हैं, फिर आपका हम लेते हैं सर। थोड़ा सा आप भी रेस्ट कर लें। ओके सर, संजय सर, सर को आमंत्रित, सर को आमंत्रित करें सर। ओके ठीक है, आवाज मेरी जा रही है ना? जी जी जी, आप। आज के हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर गिरिजा शंकर शुक्ला हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप वर्तमान में स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज UPRTOU प्रयागराज में डायरेक्टर के पद पर हैं। आप मेंबर रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ UK के भी मेंबर रह चुके हैं। वर्तमान में ढेर सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपने MD होम्योपैथिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया हुआ है, PhD इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम CRS कॉलेज इलाहाबाद से, सर्च यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से किया हुआ है, और 26 वर्षों का एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में आपका रहा है। 16 वर्षों तक जो है इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आपने टीच किया हुआ है, और फार्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज भी रह चुके हैं। आपकी टोटल 12 आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं।
एक पुस्तक जो आपकी प्रोफाइल में हमने पढ़ी थी कि मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन थ्रू सीबीटी एंड इम्पायरल स्टडी ऑफ मिटिगेशन ऑफ डिप्रेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक ऐसी जान पड़ती है, होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आप अपने व्याख्यान में डिप्रेशन को लेकर के कुछ बातें रखेंगे जो महत्वपूर्ण मैसेज होगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि इस समय COVID-19 से हम लोग सफर कर रहे हैं और इस समय डिप्रेशन को लेकर के बहुत लोगों में दबाव भी है, बहुत लोग परेशान भी हैं। इस विषय पर जरूर आप प्रकाश डालेंगे। आपके उद्बोधन का जो विषय है वह मानवता के संरक्षण में योग की वर्तमान परिदृश्य में भूमिका, एक विश्लेषण। तो निश्चित रूप से बड़ा ही समकालीन और उपयोगी विषय है आपका, और मैं इन पंक्तियों के साथ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि कामनेस ऑफ माइंड, दाई जेंटलनेस ऑफ हार्ट, एवर स्माइलिंग इन अ जेंटल टोन, इन दिस डार्कनेस वर्ल्ड एंड वाइड, यू आर इंडीड आवर स्पीकर अलोन। सो प्लीज सर, यू आर काइंडली इनवाइटेड एंड होप दैट यू विल, योर लेक्चर विल बी मोर बेनिफिशियल टू आवर पार्टिसिपेंट्स एंड अस। सो यू आर वेलकम सर, प्लीज स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी, नमस्कार सबको। मैं प्रोफेसर गिरिजा शंकर शुक्ल हूँ, और आज का जो वेबिनार आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उसका जो थीम है पॉजिटिव हेल्थ एंड योगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और न केवल भारत के लिए ही अपितु वैश्विक स्तर पर इस समय एक चर्चा का विषय है, और इसको जीवन में सबको शामिल करना चाहिए। तो बातें शुरू करते हैं पहले टॉपिक पे, पॉजिटिव हेल्थ। तो पॉजिटिव हेल्थ क्या चीज होती है, दो शब्द इसमें मिले, एक पॉजिटिव मिला एक हेल्थ हुआ, कहने को तो हेल्थ ही कहा जा सकता है लेकिन उसमें पॉजिटिव वर्ड भी यूज किया गया, इसका मतलब निश्चित रूप से पॉजिटिव हेल्थ कोई अलग चीज होती है जो थोड़ा सा डिफरेंस होती है हेल्थ से। अगर आप विश्व स्वास्थ्य संगठन को देखिए तो उसने जो अपनी परिभाषा दिया स्वास्थ्य की, तो उसमें तीन चीजों को महत्वपूर्ण ढंग से उसने ऐड किया, पहला फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ, और तीसरा सोशल हेल्थ जिसमें स्पिरिचुअल भी हेल्थ आपकी शामिल है। तो इसका मतलब इंसान को पॉजिटिव हेल्थ अगर है, ये जो उसके कंपोनेंट्स हैं हेल्थ के, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए। यदि इसमें से कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो अपने पॉजिटिव डायरेक्शन से हट करके किसी दूसरे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो हम उसको स्वस्थ नहीं कहते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की हेल्थ आ गई, नेगेटिव हेल्थ भी कोई चीज होती होगी। तो नेगेटिव हेल्थ तो इस समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, पूरी दुनिया के लिए बनी हुई है, इतनी सारी समस्याएं नेगेटिव हेल्थ के कारण हो रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और उसका दवाइयों से उपचार कर रहे हैं। आज भारतवर्ष में देखिए तो बाह्य रोग विभाग जितने हैं अस्पतालों के, उसमें इतनी संख्या मरीजों की बढ़ गई है, आप कहीं भी किसी अस्पताल में जाइए देखिए लाइन लगी रहती है। और ये फाइंडिंग है रिसर्च की, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको बेसिकली ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम उनके मन में है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन चूंकि बॉडी में हो रहा है, बॉडी के फंक्शन में हो रहा है, तो दवाओं से उसके तरफ अपने को हल करने के लिए दवाओं की तरफ भाग रहे हैं, जबकि दवा की वहां आवश्यकता उतनी नहीं है। तो हम आते हैं बात करते हैं पॉजिटिव हेल्थ क्या चीज है। पॉजिटिव हेल्थ का हम तीन पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट होता है हमारा बायोलॉजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, और तीसरा होता है सोशल। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट सबसे पहले आया, हम जो इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, हमारी जो फिजिक बनी है, जो शरीर का निर्माण हुआ है, उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से ऊतक बने, इस तरह से कोशिका ऊतक अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र मिल करके एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो फिजिकली
देखते हैं तो हम काफी हद तक एक देखते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स लगभग सबके वैसे ही है, हर एक इंसान के मस्तिष्क है, उसके हृदय है, फेफड़ा है, पेट है, कहने का मतलब सारे अंग मौजूद है। यदि किसी के शरीर में कोई अंग में कोई दोष है तो वो कंजेनाइटल भी हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट यानी कि पैदाइशी उसमें कोई दिक्कत आ गई। मान लीजिए पैदाइशी किसी को एक ही गुर्दा है, दूसरा गुर्दा ही नहीं बना, रूप से हमें कभी कभी अनफिट करते हैं फिजिकली। एक गुर्दा होना में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंसान एक गुर्दे से भी पूरी जिंदगी जीता है, लेकिन अंदर छेद की हमने बात किया तो ये सारी चीज प्रॉब्लम काज करती हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट जब हम अपने हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर आता है कि क्या स्ट्रक्चर वाइज फिट है कि नहीं फिट है। अगर स्ट्रक्चर वाइज एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं वो सब ठीक हैं, तो अब दूसरा एस्पेक्ट आता है साइकोलॉजी एस्पेक्ट आ गया कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर की सारी क्रियाएं नियंत्रित करने में बड़ा अपना योगदान दे। हकीकत यह है कि जो कुछ भी हमारे दिमाग में चलता है उसमें चलता है, तो ब्रेन का न्यूरॉन जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा है उस के फिजियोलॉजी पे आता है, शरीर की क्रियाओं पे दिखता है। तो हमारा जो ब्रेन है थोड़ा सा इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ बताना चाहते हैं। ब्रेन बेसिकली दो हिस्से में बटा है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का मतलब कि ब्रेन को दो बराबर भागों में बांट दिया गया और इसकी कुदरत ने इस तरह से संरचना किया है कि जो हमारा दाहिने तरफ का मस्तिष्क है वो शरीर के बाएं तरफ को नियंत्रित करता है और जो बाएं तरफ का मस्तिष्क है लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो शरीर के दाहिने तरफ को नियंत्रित करता है। अब डिपेंड ये करता है कि जो दो हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होता है उसी तरह के हमारे डोमिनेंट चीजें देख, कोई दाहिने हाथ से काम करता है, कोई बाएं हाथ वाला होता है बाएं हाथ से लिखता है। आप देखिए अमूमन लोगों में एक आदमी लेफ्ट हैंडेड होता है बाएं हाथ से होता है, तो ऐसा क्या हो गया कि वो बाएं हाथ से लिख रहा है। तो ये केवल हमारा जो हेमिस्फीयर है, अगर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेट कर रहा है तो हम राइट हैंडेड होते हैं, अगर राइट हेमिस्फीयर डोमिनेट होता है तो हम लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये सामान्य चीज है, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सामान्य है, केवल ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि मस्तिष्क का जो कार्य है वो हमारे शरीर को किस तरह से नियंत्रित करता है। आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन बना है उसकी मूल इकाई होती है न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन में मिल करके कई स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं। अगर सर को आप देखिए तो इसका सबसे सामने का हिस्सा फ्रंटल होता है, ये बगल का हिस्सा टेम्पोरल एरिया कहलाता है, ये ऊपर का हिस्सा पैराइटल एरिया कहलाता है और ये पीछे का हिस्सा ऑक्सीपिटल कहलाता है। तो ये जितने रीजन्स हैं हमारे सब में ब्रेन के स्ट्रक्चर्स लोकेटेड हैं जिनका अलग अलग कार्य है। अब बात यह आती है कि ये जो ब्रेन के अलग अलग कार्य हैं ये नियंत्रित कैसे होते हैं, शरीर को कैसे अपनी सूचना देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे शरीर से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है ब्रेन से और वो हमारे रीढ़ की हड्डी से होता हुआ L3-L4 वर्टिब्रा तक जा करके खत्म होता है और उसी के थ्रू तमाम स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो हमारे पूरे होते हुए हैं और वो सूचनाओं को प्रसारित करती रहती हैं। तो हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला हुआ है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया जो पूरा शरीर में फैला हुआ है।
तो इसके दो कार्य हो गए। पहला कार्य तो ये हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शरीर के अन्य सूचनाएं पहुंचाना ताकि दिमाग को सूचना मिले, और दूसरा फिर दिमाग जो ऑर्डर है उसको उन अंगों तक कम्युनिकेट करना ताकि उस तरह का एक्शन हो। अब मान लीजिए आपके पैर के ऊपर चींटी चल रही है, आपको पता चला, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं लेकिन चींटी चलने लगी, आपको पता हो गया। अब ये पता आपको किसने बताया? आपने चींटी को देखा भी नहीं, आप काम में व्यस्त हैं। तो ये हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो उसने इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इसको ब्रेन को बताया, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, इमीडिएट उसने एक्शन लिया और तुरंत आप देखते हैं हाथ से उसको हटा देते हैं, काम खत्म हो गया। तो ये इतना मिराकुलस नर्वस सिस्टम है, ये बिल्कुल वंडरफुल है, इसमें इतना क्विक रेस्पॉन्स होता है कि आप समझ भी नहीं पाते कि क्षण भर में कितने एक्शन इससे ले रहे हैं। अब हम फोकस करते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है इसका वातावरण जो होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारा मानसिक स्तर कैसा है, हमारा मूड कैसा है। तो जैसे बाहर का वातावरण होता है, अगर आप अच्छी हवा पा रहे हैं, अच्छी आपकी कंडीशन है, लिविंग स्टेटस अच्छा है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो आपको सब चीजें प्लीजेंट लगती हैं। उसी तरह से मस्तिष्क के अंदर भी एक वातावरण होता है और वो वातावरण डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार के मानसिक स्तर पर हैं। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम क्रोध में हैं, हम नाराज हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हम ठहाके मार रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बहुत जोर जोर चिल्ला रहे हैं, इत्यादि इत्यादि तमाम जो कार्य हो रहे हैं वो वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रेन का एनवायरनमेंट इंटरनल कैसा है। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट को डिसाइड करने में ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक दो शब्द से बना, जैसे आप न्यूरो ने यूज किया तो न्यूरो का मतलब हो गया न्यूरॉन, जो बेसिक सेल है ब्रेन की। दूसरा ट्रांसमीटर, यानी वो ट्रांसमिट कर रहा है कोई सूचना। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये है कि ये केमिकल मैसेंजर्स, ये संदेश वाहक हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट किसको कर रहे हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को भेज रहे हैं। न्यूरॉन मसल्स को अगर अटैच है तो उसको ऑर्डर कर रहा है, उसको मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। किसी ग्लैंड के अटैचमेंट में है तो ग्लैंड को आपको बता रहा है, उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरह से आप देखते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू अपने मैसेज को कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब ये न्यूरॉन्स मेडिकल साइंस की तरफ से आप देखिए तो दो तरह के होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हमारा मेन फोकस है पोस्ट हेल्थ में ब्रेन का जो पर्पज आ रहा है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं कई प्रकार के, कुछ गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे मूड को अच्छा रखते हैं, हमारे चित्त को प्रसन्न रखते हैं, और कुछ बैड हो इनका कार्य होता है कि ब्रेन में एनवायरनमेंट को ऐसे ढंग से करिए कि उससे बॉडी की फिजियोलॉजी, आदमी का मूड सब रखा कैसा जाए। बढ़िया रखने का भी तरीका है, कुछ तरीके हैं जो लोगों को मेडिसिनल डिपेंडेंस की ओर ले जाते हैं, कुछ तरीके अल्टरनेटिव मेथड्स है उसकी तरफ जाते हैं, तो उस पर हम बाद में आते हैं। हम पहले आते हैं कि पॉजिटिव, जो हमने बात किया पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी सकारात्मक मनोविज्ञान, ये क्या चीज है? सकारात्मक मनोविज्ञान वो एक इंसान अपने डेस्टिनी को, किसी भी चैलेंज को निर्धारित करता है, उसको पाता है, उसके पाने के लिए एफर्ट करता है और अपनी डेस्टिनी को जाकर के छूता है, उसको रिसीव करता है, अचीव करता है। इंसान की जिंदगी एक खुशहाल लगती है कि हमारे लाइफ का एक मीनिंग है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीता है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी हमको उस तरफ ले जाती है। और इन सब चीजों के लिए
कि हम एक पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे पॉजिटिव इमोशंस, ये सारी चीजों के लिए इंसान को बड़े समग्र ढंग से, बड़े अनुशासित ढंग से अपने जीवन को रखना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे हैं जो हार्मोन्स कहलाते हैं और वो बॉडी में तमाम ऐसी ग्लैंड्स हैं जिसके द्वारा वो सेक्रीट होते हैं। सेक्रीट उनका होने का कारण ये है कि उनका बॉडी में रोल अलग अलग है। कुछ हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स से सेक्रीट होते हैं, कुछ हार्मोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से सेक्रीट होते हैं जो बॉडी के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। एंडो ग्रंथियां जो अपना सेक्रीशन, अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड को दे रही है, सीधे ब्लड में डाल रही है, यानी उसमें कोई डक्ट नहीं होती, कोई नलिका नहीं होती है। और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो अपने हार्मोन्स को किसी नलिका के द्वारा ब्लड में पहुंचा रही हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, यानी ये ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को नियंत्रित कर रही हैं। अब बात ये आती है कि ये जो ग्लैंड्स हैं इनका नियंत्रण कौन कर रहा है। मान लीजिए किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होती हैं, एक दाहिने गुर्दे के ऊपर होता है, एक बाएं गुर्दे के ऊपर होती है किडनी, उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अभी एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करती है, एक बड़ा खतरनाक हार्मोन इससे सेक्रेट होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो बॉडी में स्ट्रेस काज करता है। अगर बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है तो आपके अंदर की स्ट्रेस बढ़ रही है, आप स्ट्रेस के लेवल पे बहुत ज्यादा, उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि आपके लेवल, आप स्ट्रेस किस लेवल का है ये डिपेंड करेगा कि कॉर्टिसोल का आपके अंदर कितना सेक्रेशन हो रहा है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल आ रही, लेकिन वो भी है ब्रेन के कंट्रोल में, है किडनी के, लेकिन कंट्रोल उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है, पूरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कब क्या कितना रिलीज करना है कॉर्टिसोल को, कितना नहीं रिलीज करना है। आप देखिए पैंक्रियाज जो है इंसुलिन सेक्रेट कर रहा है, इंसुलिन की कमी अगर हो गई तो आप जानते हैं डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, और आज की दुनिया में खास करके भारतवर्ष में डायबिटीज कितना कॉमन है। लोग तो ये कहते हैं कि भारतवर्ष जो है विश्व की डायबिटीज की राजधानी है, जिस इंडिया को लोग कह रहे हैं विश्व में। तो कुल मिलाकर हमारा ये उद्देश्य है जिस पर हम फोकस करना बॉडी में है, जिसके कंट्रोल में हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं, ये कहीं भी रिलीज हो रहे हैं, हमारे एब्डोमेन में है, हमारे चेस्ट पे है, हमारे गले में थायराइड ग्लैंड है, ये सारी ग्रंथियां जो भी हैं इनका सबका नियंत्रण ब्रेन कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम ब्रेन को, जो उसका एनवायरमेंट है, उसको बहुत ही अनुशासित अवस्था में रखें, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस मींस एकदम आइडियल स्टेट। जैसे आपकी बॉडी में होमियोस्टेसिस है, आपको भूख लग रही है, आपको नींद आ रही है, आपके विचार अच्छे हैं, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, आपका पेट ठीक है, आपको किसी प्रकार की सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो ये कहा जाता है कि बॉडी जो है होमियोस्टेसिस में है। अब मान लीजिए किसी को सब कुछ ठीक है लेकिन उसको सांस फूलने लगी, तो सांस फूलने लगी तो बॉडी होमियोस्टेसिस में नहीं, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है लेकिन फंक्शन में क्या आ गया कि सांस फूल रही है। सांस फूलने का बहुत सारा कारण हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़े की प्रॉब्लम हो सकती है, गुर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, साइकोजेनिक हो सकती है। तो ये कहना जब बॉडी होम्योस्टेसिस में है तब हमें मानते हैं कि हम एकदम फिट। होम्योस्टेसिस सामान्य आइडियल अवस्था होती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ब्रेन का जो एनवायरमेंट है वो ऐसा हो जो फिजियोलॉजी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे। अब जो लाइफ है, जो हमारे विचार हैं उस पर डिपेंड करते हैं, हम किस तरह का विचार रखते हैं, हमारा किस तरह का थॉट प्रोसेस है, ये पूरा डिपेंड कर रहा है ब्रेन के फंक्शन। तो हमें हर कोशिश करके प्रयास करना चाहिए कि स्ट्रेस आगे न बढ़े, जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ब्रेन के उनका सामान्य सेक्रेशन हो,
वो अपने आइडियल स्टेट में रहें, कोई भी कहीं पे व्यतिक्रम ना आए किसी के लेवल्स पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिर से आकर के पॉजिटिव हेल्थ पे। तो पॉजिटिव हेल्थ को पाने के लिए इंसान को तमाम तरह के प्रयत्न करने पड़ते हैं। सबसे पहला प्रयत्न है कि हम अपनी बॉडी की कायदे से केयर करें। कायदे से केयर करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो शरीर का ढांचा है वो भी सुरक्षित हो, दूसरा शरीर की जो क्रिया प्रणाली है वो भी सुरक्षित हो, कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। तो मेडिकल साइंस आप देखिए मूलतः दवाओं पे फोकस करती थी पहले, बाद में तमाम अर्जेंट थेरेपीज आई, ये देखा गया, तमाम रिसर्चेज आई कि जिस पर देखा गया कि केवल दवा ही पूरा असर नहीं कर पाती है, तमाम ऐसी बीमारियां हैं कि आप दवा बंद कर दीजिए तो फिर रिलैक्स हो जाती है। खास करके अगर हम मानसिक रोगियों की बात करें तो उसमें ये बहुत बड़ी बाधा है कि आपने दवा बंद किया कि मरीज कहता साहब हमको 10 दिन 15 दिन बाद फिर वैसे ही प्रॉब्लम हो गई। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दवा अकेले पूरा नहीं कर पा रही है, यानी आप मेडिसिन से टेम्पोररी स्टेटस पे ब्रेन के केमिकल्स को मेंटेन कर रहे हैं लेकिन उसकी जो बॉडी का अपना रेस्पॉन्स है जो खुद उसको मेंटेन करे वो नहीं डेवलप हो पा रहा है। तो उसको डेवलप करने के लिए तमाम अर्जेंट थेरेपीज की जरूरत पड़ी। आप लोग देखिए तमाम इस तरह की अल्टरनेटिव सिस्टम्स जो है उनका डेवलपमेंट हुआ और लोग बहुत ज्यादा उन सिस्टम्स की तरह बढ़ रहे हैं। खास करके हम यहाँ योग पे बात करेंगे। योग देखिए बहुत ही प्राचीन विधा है, हजारों वर्ष पूर्व से योग का अस्तित्व चला है। आप देखिए हमारे वेद में पुराण में सब जगह पे योग का वर्णन है। योग शब्द का मतलब ये होता है कि जोड़ना। अब जोड़ना किसको जोड़ना? जोड़ना हमारे जो शरीर है उसको और हमारे मन को मस्तिष्क को जोड़ना, मन को, यूनियन ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ये काम योग करता है। अब जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई शरीर तो ऐसे ही बना हुआ है, आप देखिए नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, सबको नियंत्रित कर रहा है, आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हो, पचा रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, आप सब कार्य कर रहे हैं, तो फिर जोड़ने में क्या बाकी रह गया है? तो जोड़ने में इम्पॉर्टेंट है हमारा जो मन है वो हमसे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हमारे शरीर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा है तो किस तरह से जुड़ा है, मन हमारा कैसा है? बहुत लोग आम भाषा में कहते हैं आज मूड नहीं सही है, मूड अच्छा नहीं है। ये मूड क्या चीज है, क्या होता है मूड, क्यों हमारे विचार ऐसे होते हैं, क्या हो जाता है कि हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, क्या होता है कि कोई आदमी हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, कोई आदमी हमको नफरत हम उससे करते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, कोई अच्छी सूचना है उस पर हम बहुत खुश हो जाते हैं, कोई अच्छी घटना हो गई उस पर हम बहुत खुश होते हैं, कोई दुखद घटना हो गई हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, ये कैसे हमारा मन इस तरह से चेंज हो रहा है? तो देखिए दो तरह की प्रॉब्लम हमारे पास है। पहली प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम में है सोमैटिक प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने जैसे बताया कि हमारे मन में कोई प्रॉब्लम है, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो सोमैटिक प्रॉब्लम है, सोमैटिक प्रॉब्लम मीन्स हमारे शरीर में कोई रोग हो गया तो वो सोमैटिक डिसऑर्डर हो गया, सोमा माने बॉडी। अब बात यह आती है कि दोनों का क्या कनेक्शन है, साइकोसोमैटिक का क्या कनेक्शन है? अब आप देखिए जैसे कोई इंसान है बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ है उसकी और इंटरनेशनल फेम का है, उसे अचानक रात में पता चला कि हमें पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हुआ, सुबह उसने जाके डॉक्टर को दिखाया, इन्वेस्टिगेट हुआ, पता चला उसको किडनी में ट्यूमर डेवलप, डायग्नोसिस हो गई कि भाई किडनी में ट्यूमर आपके डेवलप हो रहा है। अब क्या हुआ, जो आदमी इतना पॉजिटिव था, जो आदमी इतना ह्यूमरस था, अब उसका मूड बिल्कुल चेंज हो गया,
प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम किडनी में, लेकिन असर कहाँ आ गया? मन में आ गया। वो उदास हो गया, वो किसी से बात नहीं करने लगा, अलग रहने लगा, लोगों को अवॉइड कर रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा चीजों को। जो खेल उसे बहुत प्रिय था, जिसमें वो वर्ल्ड लेवल पे फेम किया, अब वही उसको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जो बॉडी की प्रॉब्लम को मन को डिस्टर्ब कर, ये हो गया सोमैटो साइकिक प्रॉब्लम, यानी सोमा की प्रॉब्लम मन को डिस्टर्ब कर। अब दूसरा एक आस्पेक्ट देखिए, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। ब्रेन नॉर्मल है, बॉडी के सारे सिस्टम्स नॉर्मल हैं, कहीं कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी पता चल रहा है लोग कब्ज से परेशान है। मेजॉरिटी लोगों को देखिए तो सुबह उठते हैं उनका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन के शिकार है, दवा खा रहे हैं। और आप देखिए टीवी पे कितने एड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम है ऐसी, कॉन्स्टिपेशन के लिए कितने चूर्ण दिखा रहे हैं, ये खाइए, वो करिए, ये लीजिए, इससे पेट तुरंत साफ हो जाएगा, और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके पेट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मन में है, और वो मन का जो प्रभाव है वो आपके शरीर के ऊपर आ रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ रहा है। उसने आपके आंतों की गति इतना धीमा कर दिया कि आप जो कुछ खा पी रहे हैं वो वहीं पे स्लो मोटिलिटी चल रही है, आंतों की जो मोटिलिटी है बहुत स्लो हो गई, और आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, परेशान हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या मन में है, लेकिन उसका असर हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी पे आ रहा है, कार्य प्रणाली पे आ रहा है, तो ऐसी समस्याओं को हम लोग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। तो जो मेजॉरिटी पब्लिक है इस समय समाज में, वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे इस समय COVID-19 का आप देखिए वैश्विक महामारी चल रही है, और प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखिए लॉकडाउन लोगों को हुआ, लोग घर में बंद हो गए, अभी भी आप देखिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एक इंसान के दिमाग में इस समय बड़ी ऊहापोह की स्थिति चल रही है, उसे बड़ा असुरक्षित फील हो रहा है, कहाँ कब कैसे कोरोना हो जाए, कोई चीज को छू नहीं सकता, हाथ धो रहा है, लगातार परेशान है, एक फियर बना है, साइकोसिस उसको डेवलप हो रही फियर। तो ये भी एक मन की समस्या है। हो सकता है कि आप जहाँ छुए वहां नहीं है कोरोना, लेकिन फिर भी आपको एक प्रॉब्लम बनी हुई, आप दौड़ के हाथ धो रहे, यानी आप देखिए तो एक तरह से आप कंपल्सिव डिसऑर्डर के आप शिकार हो गए। OCD कहते हैं इसको, साइकियाट्री में एक बीमारी होती, मानसिक रोग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें रोगी जो है एक ही काम को बार बार करता रहता है, बार बार करता रहता है, और उसका मुख्य कारण ये होता है कि उसको एक भय लगा रहता है कि हमको कहीं ये बीमारी हो जाए। तीसरा आस्पेक्ट आता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक स्टेट है जिसमें आदमी ये सोचता रहता है कि हमको कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई। मान लीजिए टीवी आपने देखा, उसमें कैंसर पे बात चल रही है, उसको ये लगता है कि हमको भी तो भूख नहीं लगती है, हमको भी तो इस तरह से नहीं होता है, हमको कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। या पत्रिकाओं में पढ़ता है, न्यूज़पेपर में पढ़ता है, तमाम तरह के मैसेज सुनता है, इस तरह से उसको मानसिक रूप से अनुभूत होती कि हमको भी ऐसा रोग हो गया है, क्योंकि ये लक्षण तो कभी कभी हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये स्टेट जो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाती है, जिसका बहुत सारा केस आजकल हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इस तरह से आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा पूरा चेक करा लीजिए, हमको कहीं ये बीमारी तो नहीं है। तो ये जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है शरीर में, इस समाज को एक ब्रॉडर लेवल पे छुटकारा देने के लिए एक विकल्प, बहुत बड़ा विकल्प हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस समाज को दिया, और वो विकल्प है योग। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन को एक स्वस्थ रूप दे करके और अपने शरीर से उसको जोड़िए। तो जैसे ही मन आपका स्वस्थ हुआ, तो शरीर के तमाम क्रियाएं हैं जो उसके कंट्रोल में आ रही है, मस्तिष्क के उन क्रियाओं के उसका नियंत्रण बहुत अच्छा होने लगता है, और आप तमाम तरह की व्याधियों से छुटकारा पाने लगते हैं। योग का जो रिसर्च हो रहा है पश्चिमी देशों में, तमाम रिसर्च ऐसे पब्लिश हो रहे हैं जिसमें दिखाया गया है, न्यूरो इमेजिंग एविडेंसेस है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होता है, वो इम्प्रूव करता है। हमारा जो DNA है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है,
उस पर भी उसका प्रभाव आ रहा है। ये तमाम हमारे पास एविडेंसेस हैं जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को योग के द्वारा नियंत्रित करते हैं, योग के द्वारा उसको स्वस्थ करते हैं। अब एक बार हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो गया तो शरीर की तमाम क्रियाओं को स्वस्थ कर देता है। अब इस समय जो मेन मुख्य समस्या चल रही COVID-19 डिजास्टर में, आप देखिए तो इसका स्प्रेड जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उस पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब श्वसन तंत्र में भी आप जानते हैं कि दो तरह का होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी होता है जो हमारे नाक से शुरू होता है, ट्रेकिया तक जाता है, और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जो ट्रेकिया और लंग्स में हमारे फेफड़ों को जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे जो श्वसन तंत्र की प्रणाली है उसका मजबूत होना इस वायरस को हटने के लिए, इम्यून डेवलप करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और श्वसन तंत्र के लिए या हमारे हृदय के लिए और भी तमाम जितने बॉडी में आर्गन्स हैं, आर्गन सिस्टम्स हैं, सबको स्वस्थ रखने के लिए, बहुत ही स्ट्रांग रखने के लिए योग एक चमत्कार है, ये ईश्वर का एक वरदान है जो इस संसार को मिला हुआ है। अब एक क्रिया सुदर्शन क्रिया होती है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। सुदर्शन क्रिया में आप देखिए तो रिदमिक ब्रीदिंग होती है। अब ये रिदमिक ब्रीदिंग जो है, ये कॉर्टिसोल जो होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है, उसको बहुत सर से हमारा कनेक्शन टूट गया है, पुनः कोशिश करते हैं सर को ज्वाइन करने के। संजय सर जी, हाँ आप कुछ कहें, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी आ गए सर। ओके आ गए। ओके हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ हाँ सर, आप बोले सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके अच्छा, तो योग को हम जब इस दृश्य में देख रहे हैं तो योगा एक एनर्जेटिक मेडिसिन का स्वरूप लिया हुआ है। एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एनर्जेटिक मेडिसिन उसको हम बोलते हैं, पूरी एनर्जी भरी हुई है और ये पावर ऑफ माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है उसका ये पावर है जो योग प्रदान कर रहा है, योग के थ्रू बढ़ रहा है। बस डिपेंड इस पर करता है कि हम योग का सही ढंग, पुनः एक बार सर से हम लोग का संपर्क टूट गया है। संजय सर, सर आ गए सर। जी जी सर आ गए सर। हाँ सर, क्या थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहां पे जहाँ पे सर बोल रहे हैं। सर अनम्यूट कर दें अपने आप को, आप आ रहे हैं स्क्रीन पे सर। ओके सर, अच्छा ठीक है। तो योग जो है ये एनर्जी मेडिसिन है, एनर्जी मेडिसिन ऐसी एनर्जी जो हमारे ब्रेन को बहुत ही ताकत प्रदान करती है, यानी ये पावर ऑफ माइंड है। योग जो है सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, दोनों स्तर पे अपने चेंजेस को डेवलप करता है और इतना अच्छे उसके प्रभाव आते हैं। जो हमारे न्यूरो इमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे सीटी स्कैन है, एमआरआईज हैं, हमारी जो रिसर्च स्टडीज है उसके थ्रू हमारे पास एविडेंसेस हैं, हम देखते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है, और यही कारण है कि ये गुण जो है योग जो है उसका प्रभाव
अपना दिखाता है और जो स्ट्रक्चर्स है वो चेंज होते हैं, जो निगेटिविटी है उनके चेंज होने से वो खत्म होती है, और जो स्पेस ऑक्यूपाइड है निगेटिव थॉट्स के द्वारा ब्रेन में, वो हमारी योगिक एक्सरसाइजेस से निगेटिव थॉट्स को हटाते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आपका बहुत सारा मटेरियल आ गया, एकदम पूरा स्पेस भर गया तो कह देता है नो स्पेस। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क, अगर हमारे मस्तिष्क में निगेटिव थॉट्स बहुत भर गए हैं तो पॉजिटिव थॉट्स की कोई जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें निगेटिव थॉट्स को डिलीट करना है, उसको हटाना है, पहले स्पेस क्रिएट करना है मस्तिष्क में। स्पेस कहाँ से क्रिएट होगा? स्पेस क्रिएट होगा योग से, योगिक एक्सरसाइजेस से, प्राणायाम से, श्वसन क्रियाओं से, आसनों से, तमाम प्रकार के नियम से, संयम से हम ब्रेन की निगेटिविटी को हटाते हैं, वहाँ स्पेस क्रिएट करते हैं। स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हमारे जो नए थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो उसको स्पेस ले सके और सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रसार कर सके। वही चीज आप देखिए पूरे बॉडी में है। आप बॉडी में देखिए स्पॉन्डाइटिस हो रही है, किसी को स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो रही है, ये रीढ़ की बीमारी है, और किसी को आर्थराइटिस हो रही है। ये जो बायोलॉजिकल लेवल पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सेलुलर लेवल पे इतनी सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको हमको ठीक करने के लिए पहले उस स्पेस को हमको खाली करना पड़ेगा जहां पर ये चेंजेस हैं। खाली करने का तरीका है योग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि योग जो है वो पावर ऑफ माइंड है। आपको उस स्पेस को खाली करके जहाँ निगेटिविटी भरी हुई थी, आपको पॉजिटिविटी भरना है। अब बात आती है, मैंने बायोलॉजिकल बात किया, साइकोलॉजिकल बात किया, सोशल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ में फिर से बात करता हूँ, योग को जोड़ता हूँ। सोशली फिट क्या होता है भाई? सोशली कौन फिट है? आप देखिए आज का जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, जो यूथ है, आप उसमें देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही, इनटॉलरेंस। आप अपने बच्चे को थोड़ा भी कुछ कहिए, जरा भी रेजिस्ट करिए, आपको देखिए वो एग्रेशन शो करता है। आप पब्लिक प्लेस पे हैं, कहीं पेट्रोल पंप पे आप गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे हैं, आप देखिए जरा से भी रेसिस्टेंस काज होने पे सीधे एग्रेसिव लोग हो रहे हैं। तो इसका ये एविडेंस है कि उनका जो ब्रेन का एनवायरमेंट है वो होम्योस्टेसिस नहीं है। उनको अपने मस्तिष्क को स्वस्थ वातावरण नहीं दे पा रहे हुए, तो योग एक ऐसी विधा है जिसको इस समय पूरे समाज की, पूरे विश्व को आवश्यकता है, जन जन को आवश्यकता है, और हर एक आयु में, हर एक वर्ग में सबके लिए आवश्यक है। चाहे वो बायोलॉजिकल लेवल पे कोई डिसऑर्डर आ रही है, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई डिसऑर्डर आ रही है, या सोशल लेवल पे कोई डिसऑर्डर आ रही, सब जगह प्रॉब्लम। अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने जिन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक बात कही, डिप्रेशन पे बात किया था, तो थोड़ा डिप्रेशन पे भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, और दुनिया में, पूरे विश्व में डिप्रेशन फैला हुआ है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के रोगी भारतवर्ष में, सबसे ज्यादा। अब देखिए इसकी नींव कहाँ से होती है? नींव एक छोटी सी बात होती है कि आपको अगर गाड़ी चलाना है तो आप सीखते हैं पहले कि गाड़ी कैसे चलाई जाए। आपको कोई, आपने इक्विपमेंट खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदने गए हैं, तो आप उससे पहले समझते हैं कि इसका कैसे काम करना है, हमको इसकी मोटा सा ब्रेंडी बताइए कैसे फंक्शन करेगी। कोई मशीन ले आते हैं, आप मोटा सा ब्रेंडी सीखते हैं। लेकिन जब आप बच्चे को पैदा करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, तो आप ये नहीं सीखने जाते कि हमको पेरेंटिंग कैसे करनी है, हमें कैसे पेरेंट होना चाहिए। आपको आइडियल, मेजॉरिटी लोगों को भारतवर्ष में पेरेंटिंग का आइडिया नहीं है। जो ट्रेडिशनल, जैसे उनके माता पिता उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, डांट रहे थे, फटकार रहे थे, वही वो एडाप्ट किए हुए हैं, वही अपने बच्चों पे भी कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब आप देखिए ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली का भी आप देखिए तो माइक्रो लेवल पर डिवीजन हो रहा है। बच्चा पैदा हुआ, आपका 4 साल 4.5 साल का हुआ, आपने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया कि भाई वहीं से सीधे इंटरमीडिएट तक पास करके आए। पता चला आप साल भर में 2 बार 3 बार जाते हैं, 1 हफ्ता उसके साथ रह लेते हैं स्कूल में, तो आपकी उसके साथ बॉन्डिंग ही नहीं डेवलप हो रही है। आप किसी चीज को कब इम्पोर्टेंस देते हैं? इम्पोर्टेंस तब देते हैं जब आपके लिए वो बॉन्डिंग आपकी उसके साथ हो। सड़क पे 100 तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप जाते हैं किसी को देखते तक नहीं, बॉडी हुई
लेकिन अगर खबर है लग जाए कि आपका कोई परिचित जो है सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है तो आप दौड़ पड़ते हैं। क्यों दौड़ पड़ते हैं? उसको अस्पताल ले जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग है उसके साथ में, आपका अटैचमेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ है उसके साथ में। तो जो इस तरह की बॉन्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो पेरेंट्स में और बच्चों में वो बहुत कम हो गई है। बच्चे इसीलिए ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स जो है उनके साथ अपना बॉन्ड नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। आज की आपाधापी में आप देखिए हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और इन सब का इम्पैक्ट उसके जा करके पूरे बिहेवियर पे आ रहा है। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इसीलिए इतनी कॉमन हो गई है, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे बिहेवियर में आते हैं, हमारे एक्शंस में आते हैं, वो परिलक्षित होते हैं कि एविडेंस है कि हमारे थॉट्स किस लेवल के चल रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो भारतवर्ष में बहुत कॉमन हो गया, और उसकी एक बहुत बड़ी एक कारण हो गई कि हमारा फॉल्टी पेरेंटिंग जो है वो भी इसमें एक रोल अदा कर रहा है। हम अपना टाइम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अब ये डिप्रेशन दो तरह का होता है, मूलतः अगर देखें तो एक मेजर डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होती है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ही क्रिटिकल डिसऑर्डर है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि मूड स्विंग करता है, कभी वो बहुत ज्यादा खुशी में चला जाता है, यूफोरिया में चला जाता है, और कभी उसका ग्राफ इतना नीचे चला जाता है कि बिल्कुल सीवियरली डिप्रेस हो जाता है वही आदमी। तो हमें कैसे पता चलेगी कोई आदमी बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है? भाई जनरल पब्लिक कैसे समझेगी कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है? मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, यदि आप किसी को कभी देखें कि आपका पड़ोसी है या आप उसको जानते हैं, कभी उसके घर में म्यूजिक बहुत तेज तेज बज रही है, खूब जोर से आवाजें आ रही हैं, एक दिन दो दिन चला, उसके बाद पता चला हफ्ता भर दस दिन वो एकदम साइलेंट हो गया, बिल्कुल किसी से बात ही नहीं कर रहा, सड़क पे निकल रहा, मोबाइल पर चला जा रहा है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए उसके प्रति। हो सकता है कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो, क्योंकि ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है सुसाइडल थॉट्स का बहुत बड़ा कारण है, सुसाइड्स का बहुत बड़ा कारण है। हिंदुस्तान में सुसाइड्स आप देख रहे हैं कि किस लेवल पे हो रही है, इतने अच्छे अच्छे टैलेंट, इतने अच्छे अच्छे ब्रेन जो IITs में IIMs में मेडिकल कॉलेजेस में इतने परिश्रम के बाद बच्चे पहुंच रहे हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहे हैं, पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? ऐसा क्या डिफेक्ट रह गया उसके साथ में कि उसको सुसाइड करने के लिए कंपल्शन आ गया, मजबूर हो गया सुसाइड कर लिया। अभी आप देखिए रिसेंटली एक एक्टर ने सुसाइड कर लिया, व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन? हम इन चीजों पे बेसिकली फोकस ज्यादा नहीं करते, हम उसको नजरअंदाज करते रहते हैं तमाम। कभी आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा, कोई आदमी आपसे आके कहा होगा कि भाई देखो अब यार जिंदगी अच्छी नहीं लगती है, तो आपने उसको हंसी में ले लिया होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, खाओ पियो मस्त रहो, यही आपने गलती कर दिया। आपको उसकी इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए था, पता चला कि वो आदमी दो महीने बाद सुसाइड कर लिया, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके व्यवहार आपको दिखा रहे हैं ये एबनॉर्मल है, इसका मेंटल होमियोस्टेसिस एबनॉर्मल है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और यही कमी है कि हमारी जो जनरल पब्लिक है वो इतनी अवेयर नहीं है। हिंदुस्तान में आप देखिए लोग पागलों को देखते हैं हंसते हैं, किसी के अंदर इतनी अवेयर नहीं है कि उसको सही जगह पहुंचाओ, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए, वो ठीक हो जाए। और मेजॉरिटी ऑफ द डिप्रेशन, मेजॉरिटी ऑफ द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर सब ठीक हो जाते हैं, लग सकता है किसी में केवल दवाइयों का ही काम चलता है, किसी में साइकोथेरेपी भी चलती है दवाइयों के साथ में, लेकिन ठीक सब हो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं जो ठीक न हो, लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स अलग है। ये जो मूड डिसऑर्डर है, जो डिप्रेशन पे हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आज ये जो COVID-19 चल रहा है इसमें मेजॉरिटी आपकी पब्लिक को किसी न किसी लेवल पे आप देखिए तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का स्तर अलग है, किसी को माइल्ड डिप्रेशन है, किसी को मॉडरेट डिप्रेशन है, किसी को सीवियर डिप्रेशन है, लेकिन है लोग तमाम चीजों को गलत अंदाज के लेते हैं, कभी कभी उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जैसे डिप्रेशन और हो गया, एक दूसरा एंजाइटी हो गई, चिंता हो गई, लोग समझ नहीं पाते कि हमको एंजाइटी डिप्रेशन है, लेकिन दोनों में फर्क है। सपोज के नींद है लेकिन आप करवट बदल रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपको नींद एक बार आ गई तो फिर आप सुबह तक सोते रहते हैं आराम से जगते हैं। लेकिन एक मरीज ऐसा है कि जो बिस्तर पर गया नींद उसको तुरंत आ गई, लेकिन जब रात में नींद 2 बजे उसकी खुल गई
तो फिर उसको नींद नहीं आ रही, करवट बदल रहा, 3 घंटे बदल रहा, उसके बाद नींद आई, देर तक सोता रहा। ये सब प्रिकर्सर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि इसके थॉट्स में डिसऑर्डर, ये एबनॉर्मल है, इसका मेंटल स्टेटस एबनॉर्मल है, इसको इलाज की, इसको सहयोग की इसको जरूरत है। तो यहाँ हमारा रोल बनता है कि हम उसको सहयोग करें। सहयोग दो तरह से, एक तो आप उसको मेंटल सपोर्ट करें, उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले चलें, उसको क्रिटिक न करें, क्रिटिसाइज न करें, दूसरा उसको पॉजिटिविटी के लिए योग के तरफ ले। हमारा जो योग है वो एकदम चमत्कार करता है। हम लोग तो अपने यहाँ विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ 32,000 स्टूडेंट योग के हैं, और हम इतने कैंप लगाते हैं, कई जगहों पर विजिट करते हैं, वहाँ जब इस तरह की बातें होती हैं तो तमाम स्टूडेंट कैंप के बाद आके घेर लेते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, बताइए हम क्या करें। और तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया और उनके फोन आते हैं कि हमको इससे बहुत आराम हुआ। योग जो है वो एनर्जी मेडिसिन है, और आज के युग में ये बहुत ही प्रासंगिक है कि हम अपने जीवन में योग का एक हिस्सा बनाएं, पॉजिटिविटी को एक हिस्सा बनाएं। उस हिस्से को बनाने के लिए हमें केवल अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंज लाना है। हमें अलग से लाना कुछ नहीं है, कोई चीज खरीद के नहीं लाना है, सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमको थोड़ा उस पर फोकस करना है। हम अच्छे लोगों से मिले, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं उनकी बातें सुने, पॉजिटिविटी एनवायरमेंट में जाएं, थोड़ा सा आउटिंग करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा कि आप मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, सीवियर एक्सरसाइज न करिए, क्योंकि जो सीवियर एक्सरसाइजेस होती हैं वो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा देती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जहाँ पे आपको तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि ब्रेन का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हम उसको स्टिमुलेट करें। योग हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यह जो आपको कूल रखता है, काम रखता है, आपको प्रसन्न चित रखता है, और आप रेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और इस तरह से अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस फिजियोलॉजी जो लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। तो योग हमारे लिए एक वरदान है। हम योग को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, आसनों के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, तमाम और प्रकार के थ्रू हम इस तरह से अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें। बाहर घूमने टहलने जाए, अच्छे लोगों से मिले, म्यूजिक सुने, लाइट म्यूजिक करें, तो तमाम तरह के चेंजेस आएंगे, साइंटिफिकली प्रूव है। और किसी प्रकार की कभी कोई और इस तरह की अगर चर्चा हो या जानकारी आप व्यक्तिगत स्तर पर लेना चाहते हो तो आपका स्वागत है। मैं राजेश टंडन विश्वविद्यालय में हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है अगर उनके कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स के माध्यम से सर से पूछ सकते हैं, या अपना ऑडियो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन सभी लोग अपना ऑडियो अनम्यूट ना करेंगे, जिनको प्रश्न पूछना है वही अनम्यूट करेंगे। मैं ओपन करता हूं। हेलो, हाँ आप जी, किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो सर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अपना ऑडियो अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं। प्लीज इसका ध्यान रखिए, जिनको प्रश्न पूछना है वही अपना ऑडियो अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, आप प्रश्न मैं डॉक्टर बैरिस्टर कुमार डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से बोल रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ। सर एक जानकारी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि ये मेरे एंड पे नहीं है, कई बार जो इस फील्ड से नहीं होते हैं उनको शायद समझने में दिक्कत हो। तो सर जब भी हम निगेटिविटी की बात करते हैं, नकारात्मकता की बात करते हैं जी, ये ब्रेन एक तरीके से डिसऑर्डर की बात हो रही है जी। तो सर हम कहीं अगर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस की अगर हम बात देखें जूलॉजी के पर्सपेक्टिव से जी, तो सर वहां पर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की हम बात करते हैं जी, वहां पर एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस की बात है जी। तो सर एक नकारात्मकता, निगेटिव आंशिकता, और ये जो हमारे बॉडीज में निगेटिव आयंस हैं
जो कि कहीं ना कहीं इनका एक्सचेंज होता है जब हमारी बैलेंसिंग होती है। ये क्या तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है या जो आयन का एक्सचेंज है वो एक अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है मैकेनिज्म है और ये बकायदा नकारात्मक का उसका इस नेगेटिव आयन का उसमें कोई रोल तो नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, आप जूलॉजी के टीचर हैं, आपको पता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली दो तरह के न्यूरॉन्स हैं। एक उनका फंक्शन इनहिबिटरी फंक्शन है, दूसरा उनका फंक्शन होता है एक्साइटेबिलिटी का। तो ये जो दो तरह के डुअल फंक्शंस है वही न्यूरॉन करते हैं, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स करते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में वो इनहिबिटरी फंक्शन करते हैं और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंडर इन्फ्लुएंस वो एक्साइटेबिलिटी वाला फंक्शन कर पाते हैं और इस तरह के हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शंस डेवलप कराते हैं। और ये जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी आ रही है ये बेसिकली पूरी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए जो गुड हार्मोन्स हैं, डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया इत्यादि, उनके लेवल पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फीलिंग है वो किस लेवल पे, हम पॉजिटिव साइड में फील कर रहे हैं या निगेटिव साइड में फील कर रहे हैं। अब डिप्रेशन में डॉक्टर क्या होता है, सीरोटोनिन का लेवल इतना लो हो जाता है कि सब कुछ पूरा डार्क दिखता है, उसको लगता है उसके सामने एक काला पर्दा लग गया और सब कुछ अंधेरा है, ऑल गॉन। यहाँ दो तरह का नियम है, ऑल आर नन, या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सारा डिपेंड करता है आपके केमिकल्स के लेवल पर और निदान किस तरह से वो इफेक्ट करता है, इनहिबिशन का। जैसे मैंने बात किया कि सिंपैथेटिक पे असर करने वाला हार्मोन चाहते हैं या पैरासिंपैथेटिक, तो ये डिपेंड करता है केमिकल्स के ऊपर। फिलहाल हम एक तरीके से योग के थ्रू अपने आयंस को एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, हर एक लेवल पे आप चेंजेस देखेंगे। आप तो साइंस के आदमी हैं और इतनी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं, हर लेवल मॉलिक्यूलर और सेलुलर दोनों लेवल पे चेंज आ रहा है। थैंक यू सर। जी किन्हीं के और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सर से। हेलो। हाँ संजय सर। हाँ प्रणाम सर, मैं डॉक्टर संजय प्रसाद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश, महामाया गवर्नमेंट कॉलेज धनपुर हड़िया प्रयागराज। सर ये जो साइकोलॉजिकल करेज है, फिजिकल करेज है और मोरल करेज है, इनका हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं और इनका प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? साहस की बात आपने किया था कि हमें अपने अंदर साहस जुटाना चाहिए, तो एक बार एक प्रसंग आया था आपके उद्बोधन में कि ये हमें अपने इन करेजेस को जो है मेंटेन करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इनका हम बैलेंस कैसे करेंगे, फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड मोरल करेज? बिल्कुल आप बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो हमारी लर्निंग्स, हम जो कुछ भी सीखते हैं वो चाहे किसी भी रूप में हो उसका कई आस्पेक्ट होता है। तो ये लर्निंग हम पॉजिटिव भी सीख सकते हैं, नेगेटिव भी सीख सकते हैं और कभी कभी पॉजिटिव लर्निंग जो है वो और भी एरियाज में काम करती है, उसका इफेक्ट आता है। ये जो करेज बढ़ाने वाली बात है वो साइकोलॉजिकल है, सोशल है, जो भी इस तरह की बातें आ रही हैं, तो हम बेसिकली इस पे आते हैं ना कि हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छे टीचर की जरूरत है, एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट हमको कहाँ से मिलेगा? सपोज कीजिए कि हमको आपके घर आना है और इस इलाहाबाद शहर में मैं जिंदगी बिता दिया, लेकिन मैं आपका घर का एग्जैक्ट पता नहीं जानता, वही झूसी में टहल रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ भाई डॉक्टर साहब का घर का। तो ये पूछना जो है ना, ये सपोर्ट है, सीकिंग सपोर्ट, तो हमें इसमें सपोर्ट लेना पड़ेगा और सपोर्ट हमारी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हम लैक कहाँ कर रहे हैं, हमको किस चीज का सपोर्ट चाहिए। सपोज कीजिए कोई आदमी डिप्रेस हो गया है, उसको हमने बताया ना कि डिप्रेशन एक तरह का काला पर्दा है जिसके आदमी को सब कुछ काला ही दिखता है, पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है, वो जानता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम बच ही नहीं सकते, जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं हमारे, लेकिन ऐसे भी लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, बशर्ते उनको सही जगह पहुंचाने की जरूरत है।
कहीं की भी टीचिंग है उनको हमको अवॉइड करना पड़ेगा। संजय सर लगता है सर से पुनः का संपर्क टूट गया। आप सर जी थैंक्स कर लें और ओके। बहुत ही बेहतरीन उद्बोधन और बेहतरीन डिमोंस्ट्रेशन के लिए मैं अपने दोनों स्पीकर्स और अनिल लड़का था अनिल नाम था ना जी, अनिल कल भी रहेंगे अनिल कल हाँ इन्होंने जो है कुछ पोस्टर्स बहुत बढ़िया डिमॉन्स्ट्रेट किया और बड़ा अच्छा वो भी था, बड़ा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में था लेकिन बहुत ही उपयोगी था। और एक तो जो है जो पहला जो डिमॉन्स्ट्रेशन और पहला जो उद्बोधन हो रहा हम लोगों का निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय, उसमें बहुत बारीक बातें होती हैं। और दूसरे उद्बोधन में हम लोग पाते हैं कि कैसे जो है उसको मेंटली अपने आप को साउंड कर सके, उनको प्रैक्टिस कर सके। मैं दो मुक्तक जो है इन दोनों स्पीकर्स और पूरे आयोजन जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या अचीव करें, तो दो मुक्तकों के माध्यम से हम कंक्लूड करना चाहेंगे। एक तरफ तो हम फिजिकल इनहेरेंस और मोरल बूस्टिंग और पॉजिटिविटी की बात करके अपने अंदर एक साहस और करेज की बात कर रहे हैं कि हमको अपने अंदर अराउज करना पड़ेगा वह करेज, वह मोरल बूस्टिंग जिससे ऐसे आपत्तियों और विपत्तियों से निपट सकें। तो हम अपने आप को इस मुक्तक को फील करके और इसे पढ़ करके तैयार करें कि होंगे वो और जो हर दर पर सर झुकाते हैं, हम तो हाथों की लकीरें भी खुद बनाते हैं। मुश्किलें हौसलों की ठोकरों में होती हैं, हम वो दरिया है जो पहाड़ों को चीर जाते हैं। हम वो इंसान हैं जो निश्चित रूप से अगर इन बातों को पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले आए तो हम ऐसी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। ऐसी बातें और ऐसे विचारधारा हमारे स्पीकर्स ने अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम अपने शब्दों के माध्यम से आए। दूसरी तरफ जो है हमें उन्होंने यह भी शिक्षा दिया कि कैसे अगर हमारे अंदर साहस, हमारे अंदर बौद्धिकता, हमारे अंदर विवेक हो जाए तो हमें इसका गुरूर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर मानवता की भाव ही होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर मानवता है तो हम वास्तव में इस मुक्तक को महसूस कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं कि गमों के धूप में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तो ये बड़ा बढ़िया मिक्सर है दोनों तरफ की। एक तरफ हमें अपने आप को साहसी बनाना है कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो हम उनका सामना कर लेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम गॉड के द्वारा क्रिएटेड की गई बेस्ट क्रिएशन है। और दूसरी तरफ हमारे अंदर यह भावना भी होनी चाहिए कि अगर कोई दुखी है और कोई परेशान है तो उसके मदद करने का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन दैट ऑन द वन हैंड वी हैव टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, ऑन द अदर हैंड वी हैव टू मेक आवर सेल्फ मोरल। एक इंसिडेंट से कंक्लूड कर दूंगा। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था किसी अखबार में, तो एक यात्री जो है सिंगापुर घूमने जाता है और वहां पर जाने के बाद वो टैक्सी हाइक करता है और टैक्सी में बैठता है। ड्राइवर उसे प्रॉपर स्थान पर कम टाइम में नहीं बल्कि अधिक टाइम में, क्योंकि रास्ता उसे पता नहीं होता, घुमा करके इधर उधर से ले जाता है और ऐसे में काफी समय लगता है और डिस्टेंस अधिक कवर करना। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है तो उसका पूरा जो फेयर बनता है वह पूरा $12 बनता है, लेकिन उस ड्राइवर ने उस पैसेंजर से मात्र $8 लिए और बताया कि ये देखिए हमारे मीटर में जो है ये टोटल 12 जो है डॉलर दिखा रहा है, मैं आपसे 8 मीटर ले रहा हूँ। तो उस पैसेंजर ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने ऐसा इसलिए कहा कि ड्राइवर ने बताया कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वास्तविक किराया इसका $10 ही, अरे $8 ही हुआ, $12 नहीं हुआ। और अगर मैं सही और सीधे रास्ते को जानता और ले आता तो आपका सिर्फ $8 खर्च होता, ऐसे में मैं आपसे $8 ही वसूलूंगा, 12 नहीं लूंगा। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें इंटीग्रेट होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए। अगर किसी की गलती की वजह से अगर दूसरा जो है भुगतान करे ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे देश भी इस विश्व में है जो एक मोरल पेश करते हैं इंटीग्रेशन का, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति।
अपने विचार के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हम सभी अपने स्पीकर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, आयोजकों का तहे दिल से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और कल पुनः 9 बजे मिलते हैं नए विचारधारा के साथ, नए स्पीकर्स के साथ। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। हाँ संतोष जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सूचना देनी थी, आप लोग का अटेंडेंस लिंक ओपन है, आप लोग अपना अटेंडेंस वहाँ मार्क कर दें और आप लोग का अगर कोई पार्ट छूट गया है इस लेक्चर का तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। सारी पूरी वीडियो, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है, सेम लिंक पे। जिस लिंक मेरी आवाज आ रही है संतोष जी? जी आ रही है सर। संतोष जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही सर। संतोष जी? जी सर आ रही है सर। आ रही आ रही है जी जी। मैं भी बोल दे थोड़ा। हाँ सर अभी मैं देता हूँ सर। ठीक है सर, तो वहाँ भी आप लोग लाइव देख सकते हैं और प्लीज अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट विथ नेम जरूर करें, उससे आपका एक थोड़ा सा पता भी चल जाता है कि बाकी आप लोग प्रेजेंट थे यूट्यूब लिंक पे भी। बहुत से लोगों ने कल करीब 586 व्यूज आए तो बड़ा अच्छा लगा। और हाँ सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जयदेव सर? जी सर जी जी जयदेव सर आ रही मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही आवाज। हाँ बोले सर। हाँ आ रही मेरी आवाज आ रही? जी जी बोले सर। बोल रहे थे तो कट गए सर। दरअसल आज का जो सर का व्याख्यान था, प्रॉब्लम है। आ रही आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर, आप बोले। हाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। जी जी हाँ, दरअसल आज का जो सर का व्याख्यान था तो मुझे, मैं यही कहूंगा कि अगर ये सर का व्याख्यान ना होता तो हम लोगों की जो ये वर्कशॉप है ये अधूरी रह जाती एक तरह से। जिस तरह से सर ने योग को और पॉजिटिव हेल्थ को रिलेट करके अपनी बातें सर ने कही हैं तो वो हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। हम लोग हेल्थ को लेके ज्यादातर हम लोग फिजिकल हेल्थ को ही चिंतित रहते हैं, लेकिन सर ने बताया कि मेंटल हेल्थ, बायोलॉजिकल और सोशल, तीनों तरह के हेल्थ की चिंता हमको करनी चाहिए। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि दो चीजें सर ने कही कि सोमैटोसाइकिक और साइकोसोमैटिक। अगर हम मानसिक रूप से परेशान हैं तो उसका असर हमारे शरीर पे पड़ने लगता है, और शारीरिक रूप से कोई व्याधि है, रोग है हमको, तो उसका असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ने लगता है, और इसी की मेजॉरिटी ज्यादा है साइकोसोमैटिक की। तो हमको इससे मुक्ति पाने के लिए योग को अपनाना ही होगा। योग ईश्वर का एक वरदान है सर ने जैसा कहा, और है भी, और ये हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है और रीच करता है हमारे ब्रेन को। तो जो चीज फ्री में हमें अवेलेबल है, हमारे पुरखों ने दे रखी है, उसको हमें अपनाना ही होगा। और जो लोग योग नहीं भी करते हैं उनकी नजर में भी योग का पर्याप्त महत्व है, वे भी उससे मना नहीं कर सकते। योग जैसा सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि हमारे कंप्यूटर की, मोबाइल की मेमोरी जब भर जाती है तो स्पेस हमको निगेटिव, खराब वाला हम हटाते हैं, कोई खराब फोटो हटाते हैं, कोई गाना खराब हटाते हैं अच्छा वाला डालने के लिए। उसी तरह योग हमारे मस्तिष्क में निगेटिव थॉट्स को डिलीट करता है और पॉजिटिविटी के लिए स्पेस बनाता है, और पॉजिटिव थॉट जब हमारे मस्तिष्क में आएंगे तभी हमारी पॉजिटिविटी और बढ़ेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। योग जब पावर ऑफ माइंड, और डिप्रेशन के बारे में भी सर ने बताया कि यह मूड डिसऑर्डर है, और एक बड़ी खूबसूरत बात सर ने कही कि हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, मोबाइल चलाना सीखते हैं, पेरेंटिंग नहीं सीखते, और इसकी वजह से बच्चों के साथ हमारा जो अटैचमेंट है वो कम सा होता जा रहा है। तो हम लोगों को पेरेंटिंग भी सीखनी चाहिए। सर ने जो बाइपोलर डिसऑर्डर की चर्चा की, जो आज सोसाइटी का सबसे बड़ा कारण है, तो हम अपने आस पास के लोगों से जुड़े रहें, लोगों को जोड़े रहें, और आपस के लोगों को जोड़ने और जुड़ने के ही क्रम में हम लोगों ने ये वर्कशॉप है। सर के इस खूबसूरत लेक्चर से हम लोगों का वर्कशॉप और रिच हुआ है, समृद्ध हुआ है। सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, समय देके सर 9 बजे यहाँ पहुंच गए थे, मैं 9:30 बजे आया। सर के प्रति मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपने प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की ओर से, समस्त प्राध्यापकों की ओर से, प्रतिभागियों की ओर से, और अपने छात्र छात्राओं की ओर से सर का मैं हार्दिक आभार ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद प्रणाम सर, बहुत बहुत। ठीक है, कल हम लोग पुनः 9 बजे मिलते हैं। कल हमारे जो है ट्रेनर के रूप में अनिल जी भी उपलब्ध रहेंगे, कल पुंडरीक जी भी कुछ योग क्रियाएं सिखाएंगे।
और कल हम लोग के बीच डायरेक्टर मैम भी समय रहा तो उपलब्ध रहेंगी। तो इसी के साथ कल हम लोग पुनः 9 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।